हेलो बच्चों उत्कर्ष के नीट जी चैनल पर आपका स्वागत है और आज हम ए का सेकंड पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं सिलेबस आपको पता ही है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस बायोटेक्नोलॉजी के दोनों प्रिंसिपल और एप्लीकेशन और माइक्रॉप्स इन ह्यूमन वेलफेयर ये सारे चैप्टर्स थे इस टेस्ट में तो देखते हैं कि इसका क्या सोल्यूशन है फर्स्ट क्वेश्चन देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नेम द एंजाइम यूज्ड टू रिमूव ऑयल स्ट्रेन फ्रॉम लॉन्ड्री एंजाइम का नाम जो धुलाई में कपड़ों से तेल के धब्बे हटाने में प्रयोग में किया जाता है बिल्कुल माइक्रोब्स वाले चैप्टर का क्वेश्चन है डायरेक्ट एनसीईआरटी पर बेस्ड है तो कपड़ों पर जब तेल के धब्बे लग जाते हैं तो उसको हटाने के लिए जो एंजाइम का हम लिया जाता है वो एंजाइम है लाइपेसेस लिपोलाइटिकम कैंडिडम नाम के माइक्रोब से प्राप्त किया जाता है इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा वह बी लाइपेजेस बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन देखिए यीस्ट in, यीस्ट इज इन का उपयोग किसमें किया जाता है यीस्ट कहां उपयोग में आती है सेरेविसी तो पहला कह रहे हैं फॉर मेकिंग ऑफ द ब्रेड ब्रेड बनाने में काम आती है दूसरा फॉर द बियर प्रोडक्शन बियर प्रोडक्शन में काम आती है दोनों में काम आती है सिट्रिक एसिड के फॉर्मेशन में काम आती है तो आपको याद होगा कि जो यीस्ट है वो एक फर्मेंटेशन करने वाली फंगस है और इसको बेकर्स यीस्ट भी कहते हैं और इसको ब्रीवर्स यीस्ट भी कहते हैं बेकर्स यीस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि जब ये फर्मेंटेशन करती है तो ये सीओ टू बनाती है और सीओ टू की वजह से ब्रेड बनाने में वो उपयोग में आती है और ये फर्मेंटेशन के लास्ट में एथेनॉल यानी एल्कोहल बना लेती है इसलिए ये ब्रीविंग यानी ब्रीवर्स जो प्रोडक्ट्स होते हैं बियर वाइन वगैरह ये जो भी अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स हैं इनको बनाने में काम आती है तो इसका मतलब यीस्ट का फर्मेंटेशन दोनों प्रोडक्ट बनाने में काम आता है ब्रेड बनाने में भी काम आता है एज बेकरी प्रोडक्ट्स और बियर बनाने में भी काम आता है एज ए uh, ब्रीविंग प्रोडक्ट्स तो इसका मतलब आंसर जाएगा सी ए एंड बी बोथ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया फुलफिल बाय मोलिक्यूल टू एक्ट एस जेनेटिक मटीरियल निम्न में से कौन से मानदंड की पूर्ति एक अणु के आनुवांशिक करने के लिए आवश्यक है जेनेटिक मटीरियल है अनुवांशिक हाँ, हाँ, पदार्थ के रूप में कार्य कर रहा है बिल्कुल बच्चों देखिये यहां पर इट शुड बी एबल टू रेप्लीकेट क्या ये रेप्लीकेट करने में काम आता है क्या ये प्रतिकृति करने में काम होना चाहिए बिल्कुल सही है बच्चों जेनेटिक मटेरियल ऐसा होना चाहिए जो खुद की प्रति बना सके खुद को रेप्लीकेट कर सके इसका मतलब पहला बिल्कुल करेक्ट है राइट right? दूसरा इट शुड बी स्ट्रक्चरली एंड केमिकली स्टेबल संरचनात्मक और रासायनिक रूप से स्थायी होना चाहिए उसे को जेनेटिक मटेरियल कहेंगे जो ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से प्रूव होता है बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं इट शुड बी एबल टू अंडरगो स्लो म्यूटेशन या धीमे उत्परिवर्तन करने के योग्य होना चाहिए जैसे कि आर एन में तो तेज म्यूटेशन uh, होता है लेकिन डीएनए में धीमे उत्परिवर्तन होता है इसका मतलब यह जेनेटिक मटेरियल डीएनए के लिए बिल्कुल सही है इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इट द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर मैंडियन कैरेक्टरियन कैरेक्टर के जैसे अपने आपको एक्सप्रेस करना चाहिए अपनी अभिव्यक्ति करना चाहिए यह भी एनसीआरटी में दिया हुआ है मतलब ये चारों पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है आंसर जाने वाला है डी सबका सही आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बायोगैस कंटेन बायोगैस में क्या शामिल है

हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो मिथेनो बैक्टीरियम के द्वारा बनाई जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डीएनए इज़ डबल हेलिक्स एंड डीएनए डबल हेलिक्स होता है डीएनए द्विरज्जु की स्ट्रक्चर है और उसके अंदर क्या खास बात है पहला कह रहा है कॉम्प्लीमेंट्री एंड पैरेलल क्या वो संपूरक और समानांतर होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंड एंटी पैरल कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं और एंटी होते हैं विदाउट उटर कॉइल सुपरकॉल रहित होता है और ऑलवेज हमेशा होता है तो डीएनए हमें पता है जैसे कि एक फाइव डैश एंड होता है एक थ्री डैश एंड होता है और दूसरे एंड का थ्री डैश और फाइव डैश होता है तो यह पैरल तो नहीं कह सकते हम इसको बोलेंगे एंटी पैरल होता है ठीक तो है।, है तो कॉम्प्लीमेंट्री है अगर इधर एडिन है तो उधर होगा इधर साइटोसिन है तो उधर गुआनिन होगा गुआनिन है तो साइटोसिन होगा है तो एडीनिन होगा इसका मतलब ये है तो कॉम्प्लीमेंट्री संपूरक तो है लेकिन ये एंटी पैरल होगा इसका मतलब करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का जाएगा बी एक थ्री डैश फाइव डैश तो दूसरा वाला फाइव डैश थ्री डैश नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बायोलॉजिकल मैथड फॉर कंट्रोल ऑफ पेस्ट रिलाई रिलाईज ऑन पीड़कों के नियंत्रण की जैविक विधि किस पर आधारित है तो पीड़कों के नियंत्रण की जो जैविक विधि है वो कौन सी क्रियाविधि पर आश्रित है एनसीईआरटी ने साफ साफ लिख रखा है तो ये आश्रित रहेगी नेचुरल प्रीडेटर के जैसे नेचुरल जो प्रीडेटर होते हैं जो जिनको अपन परभक्षी कह सकते हैं उनकी जो क्रियाविधि है उस पर आधारित जो है वो बायो कंट्रोलिंग एजेंट्स होते हैं इसमें यूज ऑफ केमिकल केमिकल के यूज पे तो नहीं होता ऐसा एनसीईआरटी ने लिख रखा है इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन पे नहीं होते बायो फर्टिलाइजर पे नहीं होते नेचुरल प्रीडेशन यानी प्राकृतिक पर भक्षण पर वो आधारित होते हैं इसलिए आंसर जाएगा बी बिल्कुल सही सही जवाब दे रहे हैं सब लोग नेक्स्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग डज नॉट इंक्लूड ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या सम्मिलित नहीं है जैविक खेती में क्या सम्मिलित नहीं है ठीक है जैविक खेती जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसमें क्या नहीं आता ग्रीन मेन्यूर हरी खाद आती है बिल्कुल आती है केमिकल फर्टिलाइजर यही तो काम में नहीं आते केमिकल फर्टिलाइजर से बचने के लिए तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की की गई थी क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर फर्टिलिटी को खराब करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए हानिकारक होते हैं इसलिए केमिकल फर्टिलाइजर से दूर रहने के लिए ही ऑर्गेनिक फार्मिंग की गई थी तो इसका मतलब आंसर जाएगा बी इसमें क्या सम्मिलित नहीं है केमिकल फर्टिलाइजर कंप्लीट नहीं सम्मिलित नहीं है क्रॉप रोटेशन हो सकता है कंपोस्ट मैन्योर हो सकता है लेकिन रासायनिक जो Uh, उर्वरक है वो काम में नहीं लिए जाते नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज एन बायो फर्टिलाइजर इनमें से कौन सा है जो जैव उर्वरकों का उदाहरण है बायो फर्टिलाइजर का एग्जाम्पल है बायो फर्टिलाइजर किसको कहते हैं वो ऑर्गेनिज्म वो माइक्रोप्स जो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं उत्पादकता को बढ़ाते हैं उनको बायो फर्टिलाइजर कहते हैं है, है ना जैसे पहले राइजोबियम दे रखा है तो राइजोबियम इज बायो फर्टिलाइजर लेकिन एफिड एफिड तो कोई पीड़क है ये तो पेस्ट है यानी ये कॉम्बिनेशन सही नहीं है राइजोबियम बायो फर्टिलाइजर में आता है लेकिन एना भी बायो फर्टिलाइजर में आता है क्योंकि दोनों नाइट्रोजन फिक्स करके प्लांट की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं नाइट्रोजन स्त्रीकरण करते हैं यानी बी वाला ऑप्शन तो सही जा रहा है सी वाले में कह रहे हैं वैम ठीक है वेसिकल आर्बस्कल माइकोराइजा वेसिकुलर आर्बस्क्यूलर माइकोराइजा यह एंडोमाइकोराइजा है ये भी कहीं कही ना कहीं बायो फर्टिलाइजर में आता है लेकिन जो बैक्यूलो वायरस है वो नहीं आता क्योंकि बैक्यूलो वायरस तो बायो कंट्रोलिंग एजेंट है जैव नियंत्रण कारक है और हमसे पूछा गया है यहां पर जैव उर्वरक के बारे में इसका मतलब ये इसके अंदर गई सही पेयर एसो तो बैक्टर हो सकता है बिल्कुल सही है लेकिन लेडी बर्ड बीटल नहीं है क्योंकि ये भी बायो कंट्रोलिंग एजेंट में आता है इसका अलावा जो राइट कॉम्बिनेशन जो जाएगा दोनों के दोनों एज ए बायो फर्टिलाइजर जाएंगे तो आंसर जाएगा बी ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इफ द न्यूक्लियोटैड सीक्वेंस ऑफ डी एन ए स्टैंड कोडेड इज ए टी एन द न्यो सीक्वेंस इन द एम आर एन ए वु मतलब अनुलेखन के दौरान यदि डीएनए में न्यूक्लियो टैड का क्रम ए टी ए सी जी है तब एम आर एन ए में न्यूक्लियो टैड का क्रम क्या होगा मतलब ये कह रहा है कि ये टो तो डीएनए बताओ इससे बनने वाला जो एम आर एन ए है उसका सीक्वेंस क्या होगा तो हमें बताए चाहे रेप्लीकेशन हो चाहे ट्रांसक्रिप्शन हो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री बेस पर काम करते हैं दोनों संपूरकता पर आधारित होते हैं इसका मतलब ए के सामने क्या जाएगा यू टी के सामने क्या जाएगा ए ए के सामने यू सी के सामने जी और जी के सामने क्या जाने वाला है सी यानी ये एम आर एन ए का सीक्वेंस होगा जो डी एन ए के कॉम्प्लीमेंट्री स्टेंड से पढ़ा जाएगा बिल्कुल आसान तो इसका आंसर जाना चाहिए यू ए यू जी सी यू ए यू जी सी फर्स्ट इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज ट्रू अबाउट द बीटी टॉक्सिन बीटी टॉक्सिन के विषय में क्या सही है बीटी टॉक्सिन के विषय में क्या सही है बीटी टॉक्सिन के विषय में, में क्या सही है पहला कह रहा है द कंसर्न बेसिलस है संबंधित बेसिलस में एंटीटॉक्सिन होता है नहीं बच्चों। जो बेसिलस होता है उसमें प्रोटॉक्सिन होता है यहां पे क्या गड़बड़ है एंटीटॉक्सिन नहीं आना चाहिए इसकी जगह पे क्या आना चाहिए, चाहिए। प्रोटॉक्सिन कीट की आहार नाल में सक्रिय रूप से परिवर्तित हो जाता है ये बिल्कुल सही है जब प्रोटॉक्सिन इंसेक्ट की एलिमेंट्री कैनाल में जाएगा तो वहां पर एल्केलाइन पीएच में वो छोटे छोटे एक्टिव टॉक्सिन के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे और वो एक्टिव टॉक्सिन उस गट की एपिथीलिया के साथ चिपक के उसमें पोर कर देंगे स्वेलिंग और लाइसिस कर देंगे जिस वजह से इंसेक्ट मर जाएगा तो हम ये कह सकते हैं द द प्रोटॉक्सिन गेट कन्वर्टेड एक्टिव फॉर्म इन गट निष्क्रिय प्रोटॉक्सिन कीट की आहार नाल में सक्रिय परिवर्तित हो जाता है ये तो बिल्कुल सही आंसर है तीसरा कहता है द प्रोटॉक्सिन ये प्रोटीन एग्जिस्ट एज एक्टिव टॉक्सिन इन द बेसिलस गलत है ये एक्टिव फॉर्म में बेसिलस में नहीं होता ये इनएक्टिव होता है इसलिए इसको प्रोटॉक्सिन कहते हैं ये सक्रिय नहीं होता निष्क्रिय होता है द एक्टिवेटेड टॉक्सिन एंटर द ओवरीज ना ओवरीज में एंटर नहीं करता है वो अंडाशय में नहीं वो उसके आहार नाल में जाता है वो उसके एलिमेंट्री कैनाल में जाता है राइट right? इसलिए इसका करेक्ट आंसर जाएगा पी अगला सवाल देखते हैं बच्चों क्या रहा है फुल

ठीक है बीइंग ऑफ द सिमिलर सबस्टेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ द सब ठीक है हम कह सकते हैं कि जो आइसोमरेज होता है वो एक ही तरह के दो सबस्टेट को काम में ले सकता है क्योंकि आइसोमराइज है कि किटॉन का एल्डिहाइड फॉर्म एल्डिहाइड का किटोन फॉर्म उसमें कहीं ना कहीं सबस्टेट को वो मैनेज कर सकता है पॉलीमरेज चेन एलोंगेशन पॉलीमरेज चेन एलोंगेशन में काम आती है क्या पॉलीमेरिज श्रृंखला का दीर्घीकरण करता है बिल्कुल पीसीआर में जिसको हम पॉलीमेर चेन रिएक्शन कहते हैं जो श्रृंखला का दीर्घीकरण कर सकता है या पॉलीमरेज पॉलीमरेज डीएनए जो RNA की श्रृंखला को लंबा कर सकता है डीएनए की श्रृंखला को लंबा कर सकता है डीएनए लाइगेजेस ब्रेक डीएनए स्ट्रेंड इनटू द टू सेगमेंट यह गलत हो गया बच्चों डीएनए को तोड़ने के लिए डीएनए लाइगेजेस काम नहीं आता डीएनए को जोड़ने के लिए डीएनए लाइगेजेस काम आता बिकॉज डीएनए लाइगेजेस को हम मॉलिक्यूलर ग्ल्यू कहते हैं इसका मतलब जो गलत तरीके से मिलाया गया है वो ये है यहां ब्रेक की जगह क्या आना चाहिए जोड़ने वाला आना चाहिए ग्लू आना चाहिए राइट अगला सवाल देखिए बच्चों बिल्कुल सही है सभी बच्चों ने सही जवाब दिया है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इनहेरिटेंस शोन इन द डायग्राम इस डायग्राम में देख के हमको बताना है कि किस तरह का इनहेरिटेंस है जैसे आप इस डायग्राम में पी डिग्री चार्ट में देख रहे हो कि एक पिताजी यानी फादर जो है वो डिजीज है और जितनी भी बेटियां हैं वो सब डिजीज है उसके बाद में इस बेटी के अंदर ये बेटा भी डिजीज है और बेटी भी डिजीज्ड है और फिर इस बेटी के अंदर एक और बेटा और बेटी भी डिजीज है हमें पता है जब किसी का फादर डिजीज्ड हो और सारी बेटियां डिजीज्ड हो तो ऐसी सिचुएशन में क्योंकि हमको पता है कि फादर का एक्स हमेशा बेटी में जाता है इसका मतलब इनका जो डोमिनेंट एक्स है वो इसमें गया होगा डोमिनेंट एक्स इसमें गया होगा डोमिनेंट एक्स इसमें गया होगा इसलिए ये डिजीज यहां पर आई होगी हम इसमें कह सकते हैं कि यदि जब कभी एक रोगी फादर का एक्स बेटी में जाता है और सभी बेटियां रोगी होती है तो वो प्रभावी एक्स गुणसूत्र से लग्न रोग होता है दैट इज कंप्लीटली डोमिनेंट एक्स क्रोमोसोमल लिंक डिसऑर्डर इसका मतलब आंसर क्या जाने वाला है डोमिनेंट एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर जाने वाला है प्रभावी एक्स संलग्न जाने वाला है पहली पहली बार में क्लियर होता है इसके कुछ रूल्स हैं जो रूल्स अगर आपको पता है सारे नियम अगर आपको पता है तो बिल्कुल आसानी से आंसर निकाला जा सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है एट एफ टू स्टेज इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोथ पेरेंटल ट्रेट आर एक्सप्रेस इन द प्रोपोर्शन ऑफ थ्री रेशियो वन कथन कारण का क्वेश्चन है कभी कथन कहता है एकल संकर संकरण में एफ टू अवस्था में दोनों जनकीय विशेषकों की अभिव्यक्ति तीन अनुपात एक के अनुपात में होती है बिल्कुल सही है जब हम कभी भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते हैं हम टॉल एंड का जो क्रॉस करते हैं लंबे और बोने का क्रॉस करते हैं तो एफ में तो सभी लंबे आते हैं लेकिन जब हम F2 टू जनरेशन निकालते हैं तो थ्री रेशियो वन तीन लंबे और एक बोना आता है इसका मतलब यह तो बिल्कुल सही कह रहा है एसर्शन तो यहाँ पे बिल्कुल सही है रीजन कहता है द कॉन्ट्रास्टिंग पेरेंटल ट्रेट शोज द ब्लाइंडिंग एंड F2 टू जनरेशन यानी तर्क कहता है विप्रयासी जनकीय विशेषक F2 अवस्था में मिश्रण को दर्शाते हैं क्या F2 में मिश्रण होता है नहीं होता है क्योंकि मैंडल ने बताया था ब्लेंडिंग नहीं होती है मिश्रण नहीं होता है क्योंकि F2 में कोई ऐसी संतति या कोई ऐसी प्रोजेनी नहीं आई जिसकी हाइट छह फुट पांच फुट चार फुट तीन फुट बीच की कोई भी थी तो मिश्रण तो होता ही नहीं है और मैंडल के लॉस कभी भी ब्लेंडिंग को सपोर्ट नहीं करते मिश्रण को सपोर्ट नहीं करते हैं इसका मतलब जो ब्लेंडिंग है जो मिश्रण है वो यहां पे गलत दिया गया है मिश्रण यहां पे नहीं होगा लेकिन अभिव्यक्तन इसका कह रहा था निम्न प्रश्नों में अभिवतनों के बाद में मिश्रण को दर्शाता है मिश्रण को नहीं दर्शाता है तो हमको पता लगाना है कि भाई आ, कौन सा आंसर सही जाएगा तो सही है रीजन यहां पे गलत है तो ट्रू बट रीजन इज फॉल्स सी इस ऑप्शन का बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा एसर्सन सही है रीजन यहां पे गलत है organism, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म नॉर्मली नेचुरल डेथ डज नॉट अकर इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जिनमें प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है यह फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का उसमें एक पॉइंट दिया हुआ जैसे कि हम बात करते हैं कि जो सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बाइनरी फिशन करते हैं द्विविखंडन करते हैं और वो द्विविखंडन करना उनकी वृद्धि भी है और उनका जनन भी है तो जब भी कोई एक कोशिकीय जीव होगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा और वो द्विविखंडन करेगा तो द्विविखंडन करते ही वो नई प्रोजेनी में रूपांतरित हो जाएगा तो इसका मतलब वो इमोर्टिलिटी दिखा रहा है वो अमरता दिखा रहा है तो उसकी नेचुरल डेथ पॉसिबल नहीं है तो जो सिंगल सेल वाले होंगे वो इस बात का सत्यापन करेंगे तो अमीबा करेगा क्लोरेला करेगा कारा बहु कोशी के शवाल है मल्टी सेलर एलगी है ये नहीं करेगा तो आंसर जाएगा इसमें डी ए एंड बी बोथ फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो विल बी सेम इन द केस ऑफ कौन सा केस है जिसमें जीनोटाइप और फिनोटाइप बिल्कुल सेम होंगे आउट क्रॉस में होंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में होंगे रेसिप्रोकल क्रॉस में होंगे या में टेस्ट क्रॉस में होंगे हमें बताएं कि जब टेस्ट क्रॉस करते हैं तो हम क्या करते हैं कि F2 के डोमिनंट प्रोजेनिक का क्रॉस उसके रेसेसिव पेरेंट के साथ करते हैं F2 की डोमिनेट संततियों का क्रॉस उसके रेसेसिव पेरेंट के साथ करते हैं तो जब हम देखते हैं कि जब हम एक क्रॉस करते हैं तो इसमें यह कॉम्बिनेशन बनता है जिसको हम क्या कहते हैं यहां पे टू रेशो टू या फिर वन रेशियो वन तो चाहे आप जीनो लोगे तो भी यही सेम आएगा चाहे फिनोटाइप लोगे तो भी यही आने वाला है जीनो और फिनोटाइप दोनों इसके अंदर सेम ही आने वाले हैं जब हम आउट क्रॉस की बात करते हैं तो आउट क्रॉस में क्या होता है कि जीनो और फिनोटाइप निकल नहीं सकता क्योंकि सारे के सारे टॉल है फिनोटाइप तब निकलता है जब लक्षणों में भिन्नता आती है जब एक्सटर्नल अपियरेंस में डिफरेंस आता है तो हम फिनोटाइप निकालते हैं आउट क्रॉस में सारे के सारे के टॉल आने वाले हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहे हैं तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में भी कौन सा क्रॉस F2 टू जनरेशन एफ जनरेशन कौन सी जनरेशन की बात हो रही है रेसिप्रोकल क्रॉस में भी कौन सी जनरेशन की बात हो रही है तो इसमें जनरेशन डिसाइडेड नहीं है इसमें भी पूरा डिसाइडेड नहीं लेकिन टेस्ट क्रॉस में हमको पता है कि ये रेशियो आने वाला है चाहे वो जीनो हो चाहे वो फिनोटाइप हो तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको हमें दिमाग लगा के सॉल्व करना होता है कि क्या पॉसिबिलिटी है मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर इस क्वेश्चन का कौन सा जाने वाला है तो इसका आंसर जाने वाला है डी तो ध्यान से देखेंगे ध्यान से सोचेंगे समझ के करेंगे तभी आंसर परफेक्ट जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इफ अ बैक्टीरियो फेज प्लेस्ड इन एस थर्टी फाइव मीडियम देन रेडियो एक्टिव फाउंड इन ये लेकिन एक जीवाणु भोजी को हमने एस थर्टी फाइव वाले माध्यम में डाल दिया है तो बताइए वो जो रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल है वो किस में जाएगा ये हरसेओ चेज वाला एक्सपेरिमेंट है बच्चों और हरसेओ चेज ने पी35 और पी32 और एस35 लिया था पी इसलिए लिया था क्योंकि फास्फोरस डीएनए में होता है प्रोटीन में नहीं और एस35 इसलिए लिया था क्योंकि सल्फर प्रोटीन में होता है डीएनए में नहीं इसका मतलब जब वो फास्फोरस यूज में लेगा तो फास्फोरस डीएनए में जाएगा और जब वो सल्फर यूज में लेगा तो वो उसके कैप्सिड में यानी प्रोटीन में जाएगा तो एस थर्टी फाइव जीवाणु भोजी के प्रोटीन में जाने वाला है एंड प्रोटीन कैप्सिड होता है कैप्सिड प्रोटीन ओनली। डीएनए में जाएगा डीएनए और कैप्सिड दोनों में जाएगा तो इसका आंसर जाने वाला है ए अगला सवाल देखिए व्हाट इज द मींट बाय डी जनरेटिव कोड डी जनरेटिव कोडोन का क्या अर्थ होता है यह कोडोन के नेचर का क्वेश्चन है हम डी या हम कोडोन की अपहािता कहते हैं अपासिता तब कहा जाता है जब किसी एक अमीनो एसिड के कोड के लिए किसी एक अमीनो एसिड के संदेश के लिए एक से ज्यादा कॉडोन उपलब्ध होते हैं तो उसे हम कॉडोनो की अपासिता कहते हैं है ना एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कॉडोन तो एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कॉडोन होने पर उसको हम कहेंगे एक अमीनो अम्ल को एक से अधिक कोड द्वारा नियंत्रित किया जाता है तो इसे कॉडोनो की अपासिता कहेंगे इसलिए आंसर है बी वेरी गुड अच्छा क्वेश्चन एनसीआर बेस्ड रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन इन स्टेटमेंट को देखो और करेक्ट आंसर निकालना है स्टेटमेंट वन कहता है द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द बायोलॉजी बायोलॉजी में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉटमेंट सॉरी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जिसको हम प्योरिटी ऑफ गैमेट भी कहते हैं ये एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है वी संयोजन का नियम जीव विज्ञान में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण तो योगदान देता है बिल्कुल सही है क्योंकि इस लॉ का कोई एक्सेप्शन नहीं है इसका कोई अपवाद नहीं है तो हम यह कह सकते हैं कि हाँ यह लॉ हर जगह लगता है हर क्रॉस में लगता के के लगता लगता है 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 युग्मकों के 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 लिए लिए सेग्रीगेशन तो यह तो बहुत ही बड़ी उपलब्धि की थी दूसरा कहता है इट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ हेरिडिटी फैक्टर इट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ हेरिडिटी फैक्टर एज डिस्क्रीट फिजिकल एंटाइटी विच डो नॉट बिकम ब्लाइंडेड इस नियम ने अनुवंशिक कारकों की संकल्पना को ऐसे विविक्त भौतिक तथ्यों के रूप में प्रस्तुत किया जो आपस में घुलते मिलते नहीं है बिल्कुल सही है क्योंकि मेंडल का दूसरा नियम ब्लेंडिंग एनरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता मिश्रण की बात नहीं करता वो कह रहा है कि भाई युग्मक कभी भी मिश्रित नहीं होते मिक्स नहीं होते और वो पृथककृत होके डायरेक्टली युग्मकों में स्थानांतरित हो जाते हैं तो बिल्कुल सही है इसी वजह से इसका कोई एक्सेप्शन नहीं था क्योंकि इसको युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा गया तो ओवरऑल मेंडल का दूसरे लॉ का कोई एक्सेप्शन नहीं था कोई अपवाद नहीं था इसलिए नहीं था क्योंकि उसने बताया था कि गैमेट कभी भी जीन कभी भी ब्लेंड नहीं होते युग्मक निर्माण के दौरान और वो डायरेक्टली उसमें गैमेट्स के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं तो इसका मतलब स्टेटमेंट टू भी सही है पहला कथन भी सही है दूसरा कथन भी सही है और ये इसका सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है तो बोथ स्टेटमेंट वन टू एंड करेक्ट कथन एक और दो दोनों सही है और कथन दो कथन एक की सही वर्णन भी करता है करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है इसका मतलब आंसर जाएगा इसके लिए ए राइट आइडेंटिफाई द रोंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द जीन आई दैट कंट्रोल एबीओ ब्लड ग्रुप ये कह रहा है जो जीन आई है जो एबीओ ब्लड ग्रुप के लिए उसके लिए कौन सा वाला कथन सही नहीं है रॉन्ग कौन सा है एबीओ के लिए पहला कहता है अलील आई डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर स्मॉल आई कोई शुगर नहीं बनाता है, क्योंकि स्मॉल आई एंटीबॉडी बनाने के लिए होता है तो वो शुगर नहीं बनाता है पहला स्टेटमेंट सही है दूसरा द जीन कैपिटल आई हैज थ्री अलील क्या कैपिटल आई के लिए थ्री अलील होते हैं बिल्कुल सही है आई ए कैपिटल आई बी और तीसरा वाला हो सकता है स्मॉल आई तो आई के तीन अलील हो सकते हैं कैपिटल आई ए कैपिटल आई बी और तीसरा वाला हो सकता है स्मॉल आई पर्सन विल है टू ऑफ द्री अलील एक व्यक्ति में दो ही अलील हो सकते हैं बिल्कुल सही है क्योंकि एक व्यक्ति डिप्लॉयड होता है और डिप्लॉयड बॉडी में दो ही अलील होते हैं तीसरा अलील अगर देखना हो तो उसको पॉपुलेशन में जाना पड़ेगा समष्टि में जाना पड़ेगा तो तीसरा वाला भी सही है चौथा कहता है वैन आई एंड आई बी आर प्रेजेंट टूगेदर दे एक्सप्रेस सेम टाइप ऑफ शुगर जब आई ए और आई बी दोनों एक साथ आएंगे तो दोनों एक जैसी शुगर कैसे बनाएंगे आई ए अलग टाइप की शुगर बनाता है आई बी अलग टाइप की शुगर बनाता है और दोनों जब अपनी अपनी शुगर बनाएंगे तभी तो इसको को सह प्रभाविता कहेंगे। अगर दोनों मिलकर एक ही बना रहे हैं, इसका मतलब कोई कोई है, है। तो आरबीसी की सरफेस पे दो अलग अलग टाइप की शुगर बनेगी दो अलग अलग टाइप की शुगर बनेगी इसको हमने क्या बोला था को कहा था ये तो सह प्रभाविता है इसका मतलब ये वाला यहां पे रॉन्ग है और हमसे पूछा गया रॉन्ग कौन सा है तो चौथा वाला यहां पे रॉन्ग रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सिन कार्पस इज फाउंड जायांग जयांग में, में अंडप होते हैं एक अंडप होने पे उसको मोनोकार्पीलेरी कहते हैं एक से ज्यादा अंडप होने पे उसको पॉलीकार्पीलेरी कहते हैं और पोलिकार्पीलेरी जब अलग अलग होते हैं तो उसको अपन वियुक्ता अंडी यानी एपोकार्पस कहते हैं और जब सारे साथ में जुड़े हुए हों तो उनको युक्ता अंडपी और सिन कार्पस कहते हैं हमसे पूछा गया कि युक्ता अंडपी सिन, सिन कार्पस किस में पाया जाता है सिंह कार्पस में होता है कमल में नहीं होता क्योंकि कमल एपो कार्पस है, है माइचेलिया जो कि एनसीआरटी में डायग्राम में गिया, गिवन है यह भी वियुक्ता अंडपी होता है रोज में वियुक्त ये दोनों हम ये कह सकते हैं कि मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर से भी लिया जा सकता है क्योंकि जय चैप्टर मिक्स करता है प्लांट वाला है तो मॉर्फोलॉजी वाले से भी इसमें से कुछ एग्जाम्पल लिए गए हैं लेकिन जो हिबिस्कस है हिबिस्कस की बात करते हैं वो यहां पे युक्ता अंडपी का उदाहरण रहेगा हिबिस्कस जो है वो सिंह कार्पस गाइनोशियम का एग्जाम्पल रहेगा इसका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जाने वाला है हिबिस्कस फिलीफॉर्म अपेरेटस रिमेन एसोसिएटेड विथ तंतुमयी उपकरण मुख्यतः संयोजित रहता है तंतुमय उपकरण किसके अंदर होता है बच्चों तंतुमय उपकरण का मतलब है अंगुली नुमा प्रवर्ध जो जीव द्रव्य के अंदर होंगे जो सिनर्जिट सेल्स के अंदर होंगे जिनके रसायनों के माध्यम से पराग नलिका को आकर्षित किया जाएगा इसका मतलब के, के अंदर होते हैं इसका मतलब है सहायक कोशिका बी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल करेक्ट कॉरंकल इज फाउंड कॉरंकल किसमें मिलता है कॉरंकल एक तीसरा अध्यावरण है है थर्ड इंटेंगुमेंट जिसको अपन कहते हैं जिसमें शर्करा या शुगर भरी भी रहती है यह हमेशा कैस्टर में यानी अरंड में देखा जाता है तो याद रखेंगे बच्चों कॉरंकल एक आउटग्रोथ है और यह तीसरे इंटेंगूमेंट के रूप में पाया जाता है जिसमें शर्करा होती है और यह हमेशा कैस्टर के अंदर होता है अरंड में होता है तो ये ध्यान रखना है हमें अगला सवाल देखेंगे बच्चों हाउ मेनी मियोसिस एंड माइटोसिस रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियोसेक

स्पोर इस functioning में तीन समसूत्री तीन माइटोसिस होते हैं और जब तीन माइटोसिस होते हैं तो तीन तो एंटीपोडल न्यूक्लियाई ठीक है और तीन अंड उपकरण वाले और दो पोलर न्यूक्लिया आठ केंद्रक बनते हैं और बाद में वो सात कोशिकाओं में रूपांतरित होते हैं तो सेवन सेल एट न्यूक्लिए स्टेज को हम क्या कहते हैं पॉलीगोनम टाइप का कहते हैं से पूछा गया भाई पॉलीगोनम प्रकार का जो भ्रूण कोश है बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री तो अर्धसूत्री तो एक चाहिए समसूत्री नॉर्मल विमेन कह ऑफ स्प्रिंग विमोफिलिक एक मैन है उसने शादी कर ली एक सामान्य महिला के साथ तो बताना है कि भाई इनके बच्चों में हिमोफिलिया की परसेंटेज क्या होने वाली है इनके बच्चों में हीमोफीलिया की परसेंटेज क्या होने वाली है तो जब मदर नॉर्मल होती है तो सन तो वैसे ही नॉर्मल होते हैं ठीक है मदर नॉर्मल होती है तो सन नॉर्मल होते हैं और फादर डिजीज होता है तो बेटियां कैरियर होती है इसका मतलब रोगी तो एक भी नहीं होने वाला है डिजीज तो एक भी नहीं होने वाला है इसका मतलब ये कह सकता हूं कि सारे के सारे नॉर्मल रहेंगे ऑल टू ऑल सामान्य रहने वाले हैं इसलिए भी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट इन मेजोरिटी ऑफ द दिंग प्लांट्स फ्लॉवरिंग प्लांट्स एंट्री ऑफ ट्यूब इन ये कह रहा है कि ज्यादातर जो होते हैं उनमें पॉलिंग ट्यूब की एंट्री कैसे होती है पॉलिंड ट्यूब की एंट्री तीन तरीके से पॉसिबल है पोरोगैमी मेजोगेमी चेलेजोगी बिजाण द्वारी प्रवेश है ना अध्यावरणीय प्रवेश और हम कह सकते हैं चेलेजा के द्वारा प्रवेश लेकिन ज्यादातर जो ट्यूब की एंट्री है हमेशा बिजांड द्वार से यानी माइक्रोपाइल से होती है जिसको हम पोरोगेमी कहते हैं यानी माइक्रोपाइल से एंट्री होती है द्वार से एंट्री होती है इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है वो है सी पोरोगैमी रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड आइडेंटिफाई द टू करेक्ट स्टेटमेंट इनको पढ़ना है और दो स्टेटमेंट करेक्ट जो है वो निकालना है तो पहला कहता है सेंट्रल सेल द सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन बिकम द प्राइमरी एंडोस्पम सेल एंड डेवलप इन टू द एंड त्रिसलियन के बाद बिल्कुल सही बच्चों जो पोलर न्यूक्लियाई या सेंट्रल सेल होती है वो ट्रिपल फ्यूजन के बाद पीई एन यानी प्राइमरी एंडोस्पम न्यूक्लियाई बनती है फिर प्राइमरी एंडोस्पम न्यूक्लियाई प्राइमरी एंडोस्पम सेल बनती है और फिर वो आगे एंडोस्पम बनाता है भ्रूण पोष बनाता है तो पहला स्टेटमेंट सही है डाइकॉट एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ कंसिस्ट ऑफ वन है वन ये गलत हो गया one नहीं आएगा यहाँ पे two आएंगे दो बीज पत्र आएंगे इसका मतलब एक वाला ऑप्शन ये गलत हो गया रेडिकल एंड रूट कैप इन मोनोकोट प्लांट इन एम्ब्रियो स्टेज एनक्लोज इन दॉलियो राइजा बिल्कुल सही है भ्रूणी अवस्था में मूलांकुर और मूल गोप मुलांकूर चोल से आवृत होते हैं कॉलियोराइजर से आवृत होते हैं बिल्कुल सही है द कोकोनट वॉटर इन टेंडर कोकोनट इज सेल्युलर एंडोस्पम नहीं बच्चों कोकोनट वॉटर सेल्युलर एंडोस्पम नहीं होता कोशिकीय नहीं होता कोकोनट वॉटर तो न्यूक्लियर एंडोस्पम यानी केंद्र की भ्रूणपोष होता है वो तो केंद्र की भ्रूणपोष होता है कोकोनट में सेलुलर एंडोस्पम तो व्हाइट कलर का कर्नेल होता है खाने वाला पार्ट होता है न कि उसका पानी होता है इसका मतलब ये गलत हो गया तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए जो जा रहा है वो है ए एंड सी ए एंड सी यानी बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा अगला सवाल ट्रिपल फ्यूजन टेक प्लेस इन ट्रिपल फ्यूजन किस में होता है ठीक है ट्रिपल फ्यूजन टेक प्लेस इन द फिल ब्लैंक ऑफ अ एंड इन्वॉल्व Fill in the blank की कितनी कोशिकाएं देखो बिजांड में बिजान्ड की कौन सी कोशिका त्रिसन में होती है तो सेंट्रल, सेल, सेंट्रल सेल, जिसमें दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं उनका ट्रिपल फ्यूजन होता है और इसमें कितने केंद्रक सम्मिलित होते हैं तो दो, हो दो तो ध्रुवीय केंद्र हो गए और एक इसके अंदर क्या हो गया मेल गैमेट हो गया एक मेल गैमेट और दो पोलर न्यूक्लिया मिलकर क्या करेंगे पीई बनाएंगे जो आगे जाके भ्रूण बनाएगा तो सेंट्रल सेल और साथ में तीन न्यूक्लिया ठीक है तो ट्रिपल फ्यूजन टेक प्लेस इन ट्रिपल फ्यूजन कौन सी कोशिका में हो रहा है सेंट्रल सेल में हो रहा है जिसमें कितने न्यूक्लियस हैं? दो पोलर न्यूक्लियस और एक मेल गैमेट तो तीन न्यूक्लियस उसमें इन्वॉल्व हो रहे इन क्लाइन सिंड्रोम

ड्रोसोफिला इज वेरी सुटेबल फॉर जेनेटिक्स बिकॉज ये कह रहे हैं जेनेटिक्स में रही क्यों रही पहला ऑप्शन कहता है कैन कंप्लीट लाइफ साइकिल अबाउट टू मंथ क्या वो अपनी लाइफ साइकिल दो महीने में पूरी करती है टू मंथ नहीं आएगा बच्चों टू वीक्स आएगा दो सप्ताह में पूरी करती है गलत हो गया नो न्यूक्लियर डिफरेंशिएशन ऑफ नो क्लियर डिफरेंशिएशन ऑफ सेक्सेस गलत हो गया ये क्लियर डिफरेंशिएशन इन द सेक्सेस क्योंकि मेल छोटा और फीमेल बड़ी होती है तो हम कह सकते हैं मेल कौन है और फीमेल कौन है सिंगल मैटिंग प्रोड्यूस लेस नंबर ऑफ प्रोजेनी एक मैथुन से कम संख्या में संतियां बनती है नहीं लेस नहीं आएगा मोर आएगा लार्ज आएगा लार्ज क्वांटिटी के अंदर प्रोजेनिस इसमें बनेगी नी टाइप ऑफ एडिडिटी वेरियशन प्रेजेंट अनुशिक विभिन्नता के अनेक प्रकार उपस्थित होते हैं ये बिल्कुल सही है बहुत ज्यादा इसके अंदर जेनेटिक्स में देखने को मिलेंगे इसलिए मॉर्गन ने अपने एक्सपेरिमेंट में ड्रोसोफिला को सेलेक्ट किया ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट सेल एनीमिया इन ह्यूमन निम्नलिखित अभिलक्षणों में कौन से मनुष्य में दात्र कोशिका अरक्तता को दर्शाते हैं सेल एनीमिया के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज लगने वाली है क्या से ने ने को डोमिनेंस दिखाता है बिल्कुल दिखाता है एच बी एस एच बी एस इसको कोडोमिनेंस कहते हैं यानी बिल्कुल सही सिंगल जीन म्यूटेशन इसको हम पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं और पॉइंट म्यूटेशन सिंगल जीन म्यूटेशन होता है तो यह भी दिखाता है बिंदु परिवर्तन मल्टीपल अलील क्या यह मल्टीपल अलील दिखाता है बहु दिखाता है मल्टीपल अलील इसके अंदर नहीं होते मल्टीपल अलील्स जो है वो ब्लड ग्रुप के लिए हो सकते हैं लेकिन सेल एनीमिया के लिए नहीं होते लिथैलिटी दिखा सकता है एच बी एस एच बी एस इसको कहते हैं। क्या प्लियोट्रॉपी दिखा सकता है बिल्कुल सही है प्लियोट्रॉपी का मतलब होता है एक जीन एक से ज्यादा लक्षण दिखाता है तो इसमें ओ तनाव होने पर आरबीसी हसी आकार या सिक्कल शेप तो हो ही जाती है साथ में ऐसे रोगी ऐसे जो कह सकते हैं वाहक जो है वो मलेरिया प्रतिरोधी भी होते हैं मलेरिया के लिए रेजिस्टेंट भी होते हैं तो इसका मतलब ये मलेरिया रेजिस्टेंट भी है और ओ के तनाव होने पर इनकी जो आरबीसी है वो सिक्कल शेप यानी हंसियाकार भी हो सकती है तो एक से ज्यादा लक्षण दिखा सकते हैं तो प्लियोट्रॉपी है तो देख सकते हैं ए बी डी और ई ए बी डी और ई इसमें सी वाले को छोड़ के बाकी सब सिक्कल से लेनेमिया में इन्वॉल्व है बहुत अच्छा क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट इनको देख के बताना है कितने कथन जो है वो सही है कर सकते हैं बच्चों पॉलीजेनिक inheritance जिसको मात्रात्मक वंशागति (quantitative inheritance) कहते हैं जिसमें दो या तीन जीन किसी एक लक्षण का कंट्रोल कर सकते हैं जैसे तीन जीन मिलकर ह्यूमन की त्वचा के रंग का नियंत्रण करते हैं दो जीन मिलकर व्हीट के कर्नेल कलर का नियंत्रण करते हैं तो कोई ना कोई एक कैरेक्टर को वो कंट्रोल कर सकते हैं मल्टीपल अलील रेगुलेट वन कैरेक्टर बहु विकल्पी एक लक्षण को नियंत्रित करते हैं बिल्कुल जैसे आई ए आई बी स्मॉल आई ये तीन अलील हैं और ये मिलकर ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करते हैं इसका मतलब मल्टीपल अलील किसी एक कैरेक्टर के लिए हो सकते हैं

ए बी सी यानी तीन तो सही है तीन सही है और एक गलत है इसका मतलब आंसर जाने वाला है सी। ट्रांसलेशन रीजन ऑफ द एम आर एन यूटीआर क्या होते हैं यूटीआर आपको पता होगा बच्चों फाइव डैश एंड से पहले यानी स्टार्ट कॉडॉन से पहले और स्टॉप कॉडाउन के बाद के सीक्वेंस को यूटीआर कहते हैं और यूटीआर ट्रांसलेशन की को इंक्रीज करता है प्रभाव स्थानांतरण यानी एफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस में काम आता है प्रभावी स्थानांतरण प्रक्रिया के लिए ये आवश्यक होते हैं इसलिए डी बिल्कुल सही है क्या थ्री डैश ऑनली नहीं फाइव डैश ऑनली नहीं अनुवादन के समापन के लिए आवश्यक होते हैं नहीं ये उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए होते हैं विच ऑफ द इज करेक्ट सीक्वेंस फॉर एम्ब्रियोजेनी इन द डायकोड प्लांट द्वि पत्री पादपों में भ्रूण निर्माण का सही क्रम क्या है एम्ब्रियो फॉर्मेशन का सही सीक्वेंस क्या है डाइकॉट में तो डाइकॉट में सबसे पहले जायगॉट बनता है जायगॉट के बाद डायर्ड बनता है डायर्ड के बाद टेट्रार्ड बनता है फिर उसके बाद में ऑक्टेड या ग्लोब्युलर स्टेज जिसको कहते हैं वो आ जाती है फिर हार्डशेप बनता है और फिर मेच्योर एम्ब्रियो बनता है इसका मतलब पहले जाइगॉड बनेगा जयगॉड बनेगा प्रो एम्ब्रियो बनेगा ग्लोब्युलर एम्ब्रियो बनेगा हार्ट शेप एम्ब्रियो बनेगा और फिर मेच्योर एम्ब्रिय बनेगाब्यूलर ये गलत दे दिया ये सीक्वेंस गलत दे दिया है Zygod, फिर सीधा हार्ट शेप गलत दे दिया है ग्लोबुलर प्रो एम्ब्रियो हार्ट शेप एम्ब्रियो और मेच्योर एम्ब्रियो ठीक है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज पॉइंट ये आएगा जयगॉट के बाद प्रो एम्ब्रियो प्राक भ्रूण आएगा फिर गोलाकार भ्रूण आएगा फिर हृदयकार भ्रूण आएगा और फिर परिपक्व भ्रूण आएगा इसका मतलब पहले जाइगोड फिर प्रो एम्ब्रियो फिर ग्लोब्यूलर फिर शेप और उसके बाद में लास्ट में चला जाएगा मेच्योर एम्ब्रियो तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए जाता है ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन कैरेक्टर ऑफ मोनोकॉट एंड डायकॉट एम्ब्रियो निम्न में से कौन सा एक बीजपति तथा द्वि भ्रूण में उपनिष्ट लक्षण है एक बीजपत्री भ्रूण और द्वी बीजपत्री भ्रूण का उभयनिष्ठ लक्षण क्या है जो दोनों में मिलेगा प्रांकोर चोल एपीब्लास्ट जो होता है वो केवल मोनोकॉट में मिलता है मोनोकॉट में एपीब्लास्ट होता है कॉलियोराइजा सिर्फ मोनोकॉट में मिलती है एपिकोटाइल कोटाइल कॉलियोटाइल कॉलियोटाइल केवल मोनोकॉट में मिलता है बट एपिकोटाइल जो है वो दोनों में मिलता है मोनोकॉट एंड डायकॉर्ट दोनों में मिलता है तो एपीकोटेल जो बीज पत्र के ऊपर वाला भाग होता है उसको एपी कहते हैं सिर्फ मोनोकॉट में होता है जो कि पर्ण आद्यक को और तने के शीर्ष भाग को ढकने का काम करता है एपीब्लास भी मोनोकॉर्ट में होता है भी में होता है एपीब्लास और कॉलियल दोनों में हो सकता है इसलिए करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए डी ही जाएगा एपी जो बीज पत्र के ऊपर होता है उसको एपी कहते हैं जो अंत में प्लिम्यूल पे जाके समाप्त होता है हाउ मेनी ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इनमें से कितने कथन सही है द शुगर फॉसफेट बैकबोन ऑफ द टू चेन इन डबल हेलिक्स एंटी डीएनएल एंटीपैरिटी डीएनए द्विकुंडलन में दो श्रृंखलाओं की शर्करा फॉस्फेट की बैकबोन प्रति समानांतर ध्रुवणता दर्शाती है क्या क्या ये दोनों एंटी पैरल होते हैं फाइव डैश थ्री डैश थ्री डैश और फाइव डैश इसका मतलब ये दोनों शुगर फॉस्फेट की जो बैकबोन है एक दूसरे के एंटी एंटीपैरे होती है

जबकि संपूर्ण रज्जु में इसका विपरीत होता है एक्सैक्टली exactly, बिल्कुल सही है जबकि सामने वाला जो हो वो 5 -3 -5 -3 -5 -3 होगा वो फाइव डैश थ्री डैश फाइव थ्री डेगा एक रज्जु में थ्री डैश फाइव का बॉन्ड होगा, तो होगा जो एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री है टेम्पलेट और एंटीसेंस स्टैंड पोलैरिटी बिल्कुल सही है जो टेम्पलेट होता है एंटीसेंस होता है उसमें हमेशा थ्री डैश फाइव की ध्रुवणता होती है नॉन ट और सेंस स्टैंड में फाइडे थ्री डेस होता है ये भी सही है जो सेंस होगा जिसको कोडिंग स्टैंड कहेंगे जो सामने वाला होगा उसमें तो पॉलरिटी फाइडे थ्री डेस होगी इसका मतलब ये भी सही है तो सारे सही है कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं तो सारे के सारे स्टेटमेंट यहां पे करेक्ट है तो नॉन टेम्पलेट और सेंस स्टैंड हैविंग फाइडे थ्री डेज पॉलरिटी टेक पार्ट इन ट्रांसक्रिप्शन जो कि ट्रांसक्रिप्शन में पार्ट नहीं लेता है एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल सही है तो सारे आंसर यहां पे सही जा रहे हैं एपोमिक्सिस क्या है एपोमिक्सिस का मतलब होता है बिना फर्टिलाइजेशन के बिना निषेचन के बीज निर्माण विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड फॉर्मेशन ठीक है तो बिल्कुल देखिए ये डी वाला सही लग रहा है अर्धसूत्री वादन और निषेचन के बिना बीजों के निर्माण को एपोमिक्सिस कहते हैं डी आंसर प्रो कैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन

साथ साथ होने वाला प्रोसेस है यह भी सही है इट डज नॉट रिक्वायर्ड स्प्लाइसिंग बट कैपिंग एसेंशियल स्प्लाइसिंग तो नहीं होती इंट्रॉन हटाने की जरूरत तो नहीं होती लेकिन कैपिंग होती है गलत है स्प्लाइसिंग कैपिंग और टेलिंग तीनों यू कैरियर्स में होते हैं प्रो कैरियर में नहीं होते इसलिए सी वाला यहां पे गलत जाएगा तो बोथ ए एंड बी करेक्ट ओनली सी इज इनकरेक्ट यानी सी वाला यहां पे इनकरेक्ट है आंसर जाता है डी एंड रीजनिंग में आप क्या कह रहा है द मैकेनि ऑफ डीएनए डीएनएकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर अभी कथन कहता है डीएनए प्रतिकृतिकरण की क्रियाविधि अर्ध अर्धसरक्षी होती है बिल्कुल सही है डीएनए का सेमी कंजर्वेटिव होता है ईच ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेड ऑफ पेरेंटल डबल हेलिक्स इज कंजर्व ड्यूरिंग द प्रोसेस इस प्रक्रिया के दौरान पैतृक द्विकुंडलन का प्रत्येक संपूरक रज्जु संरक्षित रहता है पेरेंट का जो स्ट्रेंड है वो प्रोजेनी के अंदर संरक्षित रहता है इसी कोई तो अपन सेमी कंजरवेटिव कहते हैं हर नए बनने वाले डीएनए में पुराने डीएनए का एक रज्जू जो है वो संरक्षित रहता है तो पेरेंट के दोनों रज्जु आगे आने वाले डीएनए में कॉम्प्लीमेंटरी जो स्ट्रेंड थे वो संरक्षित रहने वाले हैं इसी कोई तो सेमी कंजर्वेटिव कहते हैं तो इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट भी सही जाता है रीजन भी यहां पे सही जाता है बहुत एसेस रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ बिल्कुल सही है अभिकथन और तर्क दोनों सही हैं तर्क अभिकथन की सही व्याख्या भी करता है जाएगा ए इन द गिवन फिगर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द लेबल्ड ए ये बताना है कि भाई जो ए यहां पे मार्क कर रखा है ए जो लेबल किया हुआ है उसके लिए क्या सही है दौरे निशेचन में भाग लेता है बिल्कुल डबल फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व होता है सिनगेमी और ट्रिपल फ्यूजन को डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं त्रिसलयन में भाग लेता है बिल्कुल सही है इसी का तो ट्रिपल फ्यूजन होता है भ्रूण के निर्माण में भाग नहीं लेता है भ्रूण पोष के निर्माण में भाग लेता है तो तीन सही है और एक गलत है क्योंकि पोलर न्यूक्लियर के ट्रिपल फ्यूजन से ही एम्ब्रियो एंडोस्पम बनता है तो हमसे पूछा है कितने स्टेटमेंट यहां पे ट्रू है तो फर्स्ट सेकंड और फोर्थ सही है तो तीसरा आंसर जाएगा फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साइक्लोस्पोरिन साइक्लोस्पोरिन ए ए फ्रॉम किससे बनता है तो ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम से बनता है और यह इम्यूनोसप्रेसिव होता है ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम से बनता है और यह इम्यूनोसप्रेसिव होता है यानी हम कह सकते हैं यह प्रतिरक्षा संदमक होता है और अंग स्थानांतरण ऑर्गन ट्रांसप्लांट में काम आता है इडेंटिफाई द ब्लैक स्पेस ए बी सी डी ठीक है ए बी सी डी को जो अपने को पहचानना है तो यहां जैसे बैक्टीरिया दे रखा है साइंटिफिक स्ट्रेप्टोकाइनिस स्ट्रेप्टोकाइनिस देने वाला बैक्टीरिया कौन सा है तो स्ट्रेप्टो कोकस पहचानना है हमें कि यहां पे यह केमिकल कौन से बैक्टीरिया से मिलता है जैसे एस्परजिलस नाइगर कौन है एस्परजिलस नाइगर एक फंजाई है और ये फंजाई क्या करता है सिट्रिक एसिड देता है फंगस मोनेस्कस पर है जो क्या देता है स्टेटिन देता है कोलेस्ट्रॉल कम करने वाला कारक देता है बैक्टीरिया है ब्यूटेरिक एसिड है तो क्लॉस्ट्रीडियम कम होगा क्लॉस्टीडियम कम होगा जो ब्यूटेरिक एसिड देगा तो बिल्कुल सही है ए की जगह आएगा स्ट्रेप्टोकोकस बी की जगह आएगा फंजाई सी की जगह आएगा स्टेटिन और डी की जगह आएगा क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटेरिकम इसका मतलब ए तो बिल्कुल सही तरीके से मैच कर गया बाकी वाला ऑप्शन सही नहीं है ये ही करेक्ट आंसर जाएगा हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म है बोथ सेक्स ऑर्गन इन वन इंडिविजुअल इनमें से इस लिस्ट में से वो कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है जिनमें मेल और फीमेल दोनों एक साथ हैं एक साथ है का मतलब है एक ही बॉडी के अंदर है एक ऑर्गेनिज्म के अंदर है जैसे कारा तो कारा में एक ही बॉडी में नुक्यूल और लोब्यूल एक साथ होते हैं है ना ऊपर की तरफ न्यूक्यूल होता है नीचे की तरफ ग्लोब्यूल होता है ये फीमेल है ये मेल है ये कारा है तो कारा में होता है स्वीट पटेटो स्वीट पटेटो का तो एनसीआर में डायग्राम दे रखा है फर्स्ट चैप्टर में और वो बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है अर्थवम अर्थवम के अंदर भी टेस्टीज और ओवरी दोनों एक साथ होते हैं कॉकरोच यूनिसेक्सुअल होता है मेल अलग फीमेल अलग मार्केशिया मेल अलग फीमेल अलग वेलिस्नेरिया मेल अलग फीमेल अलग कुकरबीटा ये डायोशियस है कोकोनट डायोशियस है कुकर बीटा कोकोनट और मेज इनको हम कहते हैं सॉरी कुकर बीटा और कोकोनट और मेज मक्का इन तीनों को हम क्या कहते हैं मोनोशियस यानी एक ही बॉडी में दोनों अलग अलग फ्लावर है मेल और फीमेल फ्लावर दोनों एक ही प्लांट बॉडी में जब होता है तो उसको अपन मोनोशियस कहते हैं इसका मतलब इसका आंसर में ये दोनों एग्जाम्पल भी जाएंगे टेपम को क्या कहते हैं फीता क्रमी कहते हैं सोलियम ये बाईस होता है मेल और फीमेल दोनों एक साथ होते हैं लीच बाई होता है डेट पाम और ये यूनिसेक्सुअल होते हैं तो ये नहीं होंगे डेट पाम और पपीता और खजूर ये नहीं होंगे तो, तो देखिए कारा एक दो तीन चार पांच छ और सात टोटल uh, सात ऐसे मेंबर हैं जो कि बाई होने वाले हैं जिनमें दोनों दोनों मेल और फीमेल एक साथ होने वाले हैं इसलिए करेक्ट आंसर जाएगा वन प्रोटीन इज फाउंड फॉर्मड फ्रॉम दमनकारी प्रोटीन कैसे बनता है रिप्रेसर प्रोटीन लैक ऑपरॉन का क्वेश्चन है रेगुलेटरी जीन जिसको हम आई जीन कहते हैं और वो बनाता है रिप्रेशर प्रोटीन जो आगे जाके ऑपरेटर के साथ में जुड़ता है इसका मतलब रेगुलेटर जीन है वो दमनकारी प्रोटीन बनाने वाला है तो आंसर जाएगा डी रेपिटेटिव सीक्वेंस आर स्ट्रेचेस ऑफ डीएनए विद रिपीट्स बेसिस मेनी टाइम इन अ बट बिनोम में पुनरावर्ती अनुक्रम डीएनए के खंड हैं जिनमें पुनरावर्त कई बार होते हैं रेपिटेटिव न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस कई बार रिपीट होते हैं तो लेकिन उसके लिए क्या पॉइंट है वो देखना है हमको आपको याद होगा ये डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का क्वेश्चन है जब न्यूक्लियोटाइड बार बार रिपीट करते हैं तो उसको डीएनए पॉलिमोरफिजम कहते हैं रेपिटेटिव न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस कहते हैं डीएनए कहते हैं वीएन कहते हैं ये सब कुछ है इन अनुक्रमों का अनुलेखन प्रक्रिया में कोई कार्य नहीं होता बिल्कुल सही है ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते हैं ये यू क्रोमेटिन में नहीं ये हेटरोक्रोमेटिन में होता है जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते उनको हेटरोक्रोमेटिन कहते हैं दिस हेल्प है इन आइडेंटिफाई पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ डीएनए स्पेसिफिसिटी बिल्कुल सही है ये तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार है किसी व्यक्ति को पहचानने में काम आता है तो उनको बताना है इसमें कौन कौन से सही हो गए तो ए और सी सही है या बी इनकरेक्ट है ओनली बी इज इनकरेक्ट ठीक है करेक्ट आंसर हो गया बी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इन इल्यूजन द सेपरेट बैंड्स ऑफ डीएनए आर कट आउट कट इनटू द अगर जेल एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जेल पीस ठीक है अब इसमें बताना है कि भाई कितने करेक्ट हैं कितने नहीं करेक्ट हैं ये हमको बात करना है पहला कह रहा है कि भाई रहे में जेल के अंदर से जेल को कट करके डीएनए को बाहर निकालते हैं बिल्कुल सही है अगर उस जेल में से कट करके डीएनए को बाहर निकालना ही तो क्षालन या जो है इलूजन कहलाता है पृथकृत डीएनए के बैंड अगर ओस जेल में काटे जाते हैं फिर उनसे निष्कर्षित किए जाते हैं सही ई कोलाय क्लोनिंग वैक्टर पीबीआर तीन सो बाईस प्रतिजै जीन भी होते हैं और आरोपी भी होते हैं बिल्कुल सही है ये सारे पीबीआर तीन सौ बाईस के कैरेक्टर हैं द डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग वेरी फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट बिल्कुल सही है डाउन स्ट्रीम प्रक्रिया तथा गुणात्मक नियमन परीक्षण से भिन्न भिन्न उत्पाद निर्मित होते हैं या हम यह भी कह सकते हैं कि भिन्न भिन्न उत्पाद के लिए अलग अलग प्रोसेस काम आते हैं डाउन स्ट्रीम प्रक्रिया जीवाणु कोशिका प्लाजमिक नहीं लेता है ताकि वो प्लास्मिक ले हमने उसमें इसीलिए डाला गया ताकि प्लाजमिट को ले नहीं ले वाला नहीं होगा कैनोट वाला नहीं होगा नहीं वाला नहीं होगा ए बी सी सिर्फ कौन सा वाला इसमें इनकरेक्ट है एक्सेप्ट डी ऑल आर करेक्ट एक्सेप्ट डी ऑल आर करेक्ट लॉन्ग सिल्की हेयर कमिंग आउट ऑफ द कॉब ऑफ मेज मक्के के जो भुट्टे होते हैं उसमें से जो पीले पीले धागे बाहर आते हैं उनको क्या कहते हैं उनको हम कहते हैं टेसल्स और वो टेसल्स होते हैं स्टिग्मा और स्टाइल एनसीआरटी में दे रखा है लॉन्ग स्टाइल एंड स्टिग्मा लंबे वर्तिका तथा वर्तिकाग्र होंगे इसका आंसर है डी में में वायु द्वारा परागण सपोर्ट करते हैं द टर्म क्लोन क्लोन इज टू डिस्क्राइब शब्द कब यूज में लिया जाता है क्लोन शब्द तब यूज में लिया जाता है जब प्रोजेनी जो होते हैं संततियां जो होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली अपने पेरेंट्स के बिल्कुल एक जैसे होते हैं पेरेंट्स के जैसे होते हैं तो उनको हम क्लोन कहते हैं तो मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली समान जीवों के लिए हम शब्द यूज में लेते हैं क्लोन बिल्कुल करेक्ट आंसर है डी मिस्टर स्टीवेंस इज सफ़रिंग फ्रॉम द हिमोफीलिया एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस हिस्स फादर इज हेट्रोजाइगस फॉर सिस्टिक फाइब्रोसिस द प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टीवंस स्पर्म है मिस्टर स्टीवन है वो हीमोफीलिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस से पीड़ित है हीमोफीलिया रेसेसिव एक्स क्रोमोजोम लिंग डिसऑर्डर है और सिस्टिक फाइब्रोसिस अप्रभावी अलिंगी गुणसूत्र संलग्न रोग है रेसेसिव ऑटोसोम वो खुद रोगी है उसके पिता सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए विषम युग्मजी है स्टीवन के शुक्राणु के अप्रभावी एक्स सलग्न सा के साथ साथ ऑटोसोम ऑटोजोम जो है अलील होने की संभावना क्या है जब ये कह रहा है कि मिस्टर स्टीवन हीमोफिलिक है तो ये मान लिया हमने हीमोफिलिक है सिस्टिक फाइब्रोसिस से पीड़ित है और सिस्टिक फाइब्रोसिस रेसेसिव ऑटोसोम वाला होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस अप्रभावी अलिंगी गुणसूत्र संलग्न होता है तो अप्रभावी हमेशा समयुग्म जी में अपना प्रदर्शन करेगा और उसको हीमोफीलिया भी है तो अब ये बताया गया कि इसके कितने शुक्राणु होंगे जिसमें हीमोफीलिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस दोनों होगा तो इसके अंदर देखा जाए तो एक्स एच ए का एक स्पम होगा और ए और वाई का दूसरा स्पॉम होगा यानी ये 50% परसेंट होंगे और ये 50% परसेंट होंगे तो ये संभावना कितनी है वन बाई टू यानी 50% परसेंट है इसलिए आंसर इस क्वेश्चन का जाएगा सी 50%। परसेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरियल बट मोनोकार्पिक प्लांट इनमें से कौन सा पादब बहुवर्षी है लेकिन एक ही बार फूल देता है एक ही बार फल देता है तो एग्जाम्पल है इसका बैंबू आपने पढ़ा होगा यह फर्स्ट चैप्टर से है बैंब पैरियल होता है बहुवर्षीय पादप होता है लेकिन जीवन में एक ही बार फूल और फ्लावर देता है और उसके बाद में यह नष्ट हो जाता है द इनकरेक्ट मैच यहां पर हमें गलत मिलान का पता लगाना है एस एन पी सिंपल न्यूक्लियो पॉलीमोर्फिजम देखिए पहले पहले ही गलत हो गया क्योंकि एस का मतलब सिंपल नहीं सिंगल होता है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमोर्फिजम होता है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमोर्फिजीएनआर वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट ये तो सही है एक्सप्रेस सीक्वेंस ये भी सही है यूटीआर अनट्रांसलेटेड रीजन ये भी सही है लेकिन जो फर्स्ट है वो यहां पे गलत है सिंपल की जगह आना चाहिए सिंगल बाकी सब फुल फॉर्म सही है एवरेज साइज ऑफ जीन इज जीन की एवरेज साइज एच जीपी का क्वेश्चन है एक एवरेज साइज का जो जीन है वो तीन हजार न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर का बना होता है इसका थ्री थाउजेंड था। न्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ है एक जीन अब यहां पर बहुत सारे पॉइंट दे रखे हैं फिर पूछा इन्होंने करेक्ट और इनकरेक्ट के बारे में पहला कह रहा है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज यूज टू इंप्रूव क्रॉप प्लांट बाय इंक्रीजिंग देयर प्रोडक्टिविटी बाय मेकिंग देम मोर न्यूट्रिशियस एंड बाय डेवलपिंग डिजीज रेजिस्टेंट पुनर्योजित डीएनए तकनीक का उपयोग फसल पादप के सुधार में होता है उनकी प्रोडक्टिविटी को उत्पादकता को बढ़ाने के लिए होता है उनके अंदर पोषक तत्वों को बढ़ाने के लिए होता है और साथ में उनको रोग प्रतिरोधक बनाने के लिए होता है बिल्कुल सही है ये सारे के सारे जो टेक्नोलॉजी ये सारे पॉइंट्स जो हैं उसी के लिए हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी काम में ले रहे हैं बी कॉटन रेजिस्टेंट टू बॉलवम ये भी सही है क्या बीटी कॉटन बॉलवम संक्रमण के लिए प्रतिरोधी है एक्जैक्टली exactly, बिल्कुल सही है बीटी कॉटन बॉलवम के लिए प्रतिरोधी बेसिलस बेसिलसूरिस ड नॉट फॉर्म क्राई प्रोटीन ये गलत हो गया क्या बेसिलेसियज नॉट फ्रॉम प्रोटीन क्राइप्रोटीन प्रोटीन तो बनाता है नहीं क्यों बनाता है प्रोटीन बनाता है बेसिलेस इज नॉट हार्मड बाय सेल्फ प्रोटीन बिकॉज ऑफ इट्स अक्रेंस एज प्रोटॉक्सिन यह बिल्कुल सही है बेसिलिस थुरेनजियसिस को प्रोटीन नुकसान नहीं पहुंचाता क्यों नहीं पहुंचाता क्योंकि वो प्रोटॉक्सिन है इनएक्टिव टॉक्सिन है बिल्कुल सही है वो इनएक्टिव है इसलिए उसको नुकसान नहीं पहुंचाता प्रोटॉक्सिन क्राय प्रोटीन इज चेंज्ड इनटू एक्टिव क्राय प्रोटीन इन द स्टमक ऑफ इंटेस्टाइन इंसेक्ट ड्यू टू अल्कलाइन पीएच इन द स्टमक पूर्व आवेश क्राय प्रोटीन क्षारीय पीएच के कारण कीटों के आमाशय में सक्रिय क्राय प्रोटीन में परिवर्तित किया जा सकता है बिल्कुल अगर ये देखा जाए तो ये सही है कि भाई इसको एक्टिव उसके गट में किया जाता है एक, गट एक तरह से आमाशय या क्रॉप कह सकते हैं तो इंसेट की क्रॉप बेसिक होती है एल्किलाइन होती है वहां पर ये प्रोटॉक्सिन एक्टिव टॉक्सिन में कन्वर्ट होके इंटेस्टाइन में पोर कर देता है जिसके वजह से इंसेक्ट मर जाता है ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है तो गलत सिर्फ एक ही है तीसरा वाला बाकी सब सही है ऑल आर करेक्ट ओनली थर्ड इज फॉल्स केवल तीसरा वाला ही यहाँ पे गलत है बाकी सारे सही है बायोगैस प्रोडक्शन टेक्निक वॉज बायोगैस टेक्निक जो बनाने वाली थी वो किसने डेवलप किया तो सबसे पहले आईसीएर ने किया आई आर आर आई ने किया आई ए आर आई और केवीआईसी ने किया देखिए इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट एक तो इन्होंने किया दूसरा खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने किया इसका मतलब डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है इट द प्रोसेस ऑफ आर एन ए इंटरफेरेंस टेक प्लेस इन दू कैरियोटिकल्यूलर डिफेंस विच इनवॉल्व साइलेंसिंग ऑफ द स्पेसिफिक आर एन ए बाई आर एन ए प्रतिबाधा जिसको आर एन आई मैथड कहते हैं वो सभी यू के जीवों में होती है हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म में भी आरएनए आई मेथड देखा जाता है जो कि विशिष्ट एम के साइलेंसिंग से संबंधित है जो एक एम होगा उसके साथ में रिकॉम्बिनेंट एम को जोड़ा जाएगा और उसको साइलेंट किया जाएगा उस टेक्नोलॉजी से संबंधित है तो बताना है इसके लिए कौन कौन से पॉइंट सही हैं? कॉम्प्लीमेंट्री ऐसे सार के माध्यम से किया जाएगा बिल्कुल सही है उसका कॉम्प्लीमेंट्री ऐसे सर होगा जो उसके साथ जोड़ दिया जाएगा रेट्रोपोजोन्स या ट्रांसपोर्जोन्स के माध्यम से भी किया जा सकता है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के द्वारा नहीं किया सकता और प्रोटीन के द्वारा नहीं किया सकता या तो आप ट्रांसपोजोन्स या रेट्रोपोजोन्स मेथड काम में ले सकते हो या फिर एक सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जो उसका संपूरक हो वो काम में लेके उस आरएनए को साइलेंट किया जा सकता है इसका मतलब ए और बी तो सही है बाकी वाले सही नहीं है टू टेस्ट द वैक्सीन सेफ्टी बिफोर इट्स यूज ऑन द ह्यूमन ट्रांसजेनिक ऑन द यूज ऑन द ह्यूमन ट्रांसजेनिक फिलिंदा ब्लैंक आर यूज टू टेस्ट इफ सक्सेसफुल देन इट कैन रिप्लेसा ब्लैंक मानव में अगर कोई वैक्सीन का सेफ्टी टेस्ट करना है तो ह्यूमन के यूज से पहले आजकल लिया जा रहा है वह ट्रांसजेनिक माइस ठीक है अगर ये लगातार यूज में लिया गया और ये सक्सेसफुल हो गया तो मंकी के यूज को रिप्लेस कर देगा है ना बंदर का जो उपयोग हो रहा है उसका प्रतिस्थापन ये कर देगा इसका मतलब ट्रांसजेनिक माइस में किया जा रहा है और मंकी के यूज को यह रिप्लेस कर देगा इसलिए ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रोजी एक ट्रांसजेनिक जो काउ है ठीक है नोन टू टाइप ऑफ मिल्क विशेष प्रकार का मिल्क बनाती है फॉलोविंग कैरेक्टर एक्सेप्ट किसको छोड़ के बाकी सारे कैरेक्टर हैं? रोजी एक ट्रांसजेनिक गाय है एक प्रकार के दूध के उत्पादन के लिए जानी जाती है निम्न में से एक के अतिरिक्त सभी लक्षण होते हैं एक के अतिरिक्त एक के अतिरिक्त किसको छोड़ के बाकी सारे लक्षण है तो पहला प्रोटीन कंटेंट 2.4 पॉइंट फोर ग्राम इन द लीटर बिल्कुल सही है प्रोटीन तो, तो ऐसा कोई नहीं है ऐसा कोई नहीं है जो जिसको छोड़ दिया जाए ऐसा कोई नहीं है जिसको छोड़ रहे हैं। इसलिए आंसर जाएगा नन इसने पूछा ऐसा कौन है जिसके अतिरिक्त तो ऐसा तो कोई भी नहीं है जिसके अतिरिक्त क्योंकि तीनों के तीनों कैरेक्टर है इस तरह से आंसर करना है राइट right? कई बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं वो सोचेंगे कि नन का मतलब इनमें से कोई नहीं नन का मतलब इसमें से कोई नहीं नन का मतलब यह है किसके अतिरिक्त किसी के यानी ऐसा कोई नहीं है जिसके अतिरिक्त कोई कैरेक्टर होगा तीनों के तीनों जो है वो उसका सत्यापन कर रहे हैं फिल द ब्लैंक्स रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वैन कट बाय द सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम द डी एन ए फ्रेगमेंट है सेम काइंड ऑफ फिल इन द ब्लैंक न बी ज्वाइन टुगेदर एंड टू एंड बाई द यूजिंग फिल इन द ब्लैंक अगर आप एक ही टाइप के रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस काम में लेते हो तो हमेशा स्टिकी एंड बनते हैं और स्टिकी एंड वाले डीएनए को लाइगेज एनजाइम के थ्रू जोड़ा जा सकता है यानी यहां पर क्या बनेगा स्टिकी एंड चिपचिपे स्थल यहां पर आना चाहिए स्टिकी एंड और किसको किसके साथ इनको जोड़ा किया जा, जा, जा सकता है लाइगेजेज uh, द्वारा जोड़ा जा सकता है डिस्प्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन कैन बी अचीव्ड बाय द ट्रीटिंग बैक्टीरियल सेल सेल प्लांट और एनिमल टिश्यू विदा मान लो कि किसी की सेल वॉल को तोड़ना है तो कौन से एंजाइम काम में लोगे बैक्टीरिया के वॉल तोड़ने के लिए लाइसोजाइम प्लांट की सेल वॉल को तोड़ने के लिए सेल्यूलेज एंजाइम और अगर फंगस की सेल वॉल तोड़नी है तो काइटी एंजाइम काम में लेना पड़ेगा तो लाइसोसाइम सेल्यूलेज और काइटिनेज। कोशिका झिल्ली को तोड़ने के लिए ये तो आ गया इसमें सारा इफ ये झिल्ली वाला नहीं आएगा सेल मेम्ब्रेन का नहीं आएगा सेल वॉल का आएगा यहां पर क्या आना चाहिए वॉल आना चाहिए झिल्ली नहीं यहां पर क्या आना चाहिए भित्ति इफ एनी प्रोटीन एनकोडिंग जीन इज एक्सप्रेस इन हेट्रोलोग अगर कोई ऐसा प्रोटीन जो हेट्रोलोगस होस्ट में बनता है तो उसको क्या कहते हैं एनसीआरटी ने बोल्ड करके दे रखा है डार्क करके दे रखा है उसको हम रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन या पुनर्संयोजित प्रोटीन कहते हैं उन्हें हम पुनर्संयोजित प्रोटीन कहते हैं रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन इसको कहते हैं इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट कैन बी सीन ओनली आफ्टर स्टेनिंग द डीएनए विद कंपाउंड नॉन एज फॉलोड बाय एक्सपोजर ऑफ यूवी रेडिएशन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए को देखने के लिए उसमें कौन सा स्टेन काम में लेते हैं तो आंसर आएगा इथीडियम ब्रोमाइड इथीडियम ब्रोमाइड काम में लेते हैं जो कि यूवी लाइट के अंदर कलर शो करता है तो अब देखेंगे कौन कौन सा सही है सबसे पहले स्टिकी एंड रिकॉम्बिनेस नहीं आएगा स्टिकी एंड डीएनए लाइगेज सही है एक्सो न्यूक्लियस नहीं आएगा स्टिकी एंड लाइगेजेस, लाइसोज सेल्यूलेस कार्टिनेस नेटिव प्रोटीन नहीं आएगा स्टिकी एंड डीएनएल रिकॉम प्रोटीन और एथीडियम ब्रोमाइड यानी डी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्टली इस फिल इन द ब्लैंक में आएगा इन द लैक ऑपेरॉन द स्ट्रक्चरल जीन आर स्विच ऑफ लैक ऑपेरॉन में संरचनात्मक जीन स्विच ऑफ कब होगा स्विच ऑफ कब होगा जब जो रिप्रेशर प्रोटीन है वो ऑपरेटर जीन के साथ जाके जुड़ जाएगा जब कोई रिप्रेशर प्रोटीन अवरोधक प्रोटीन संदमक प्रोटीन ऑपरेटर जीन के साथ जुड़ जाएगा तो वो स्विच ऑफ हो जाएगा तो रिप्रेशर ऑपरेटर के साथ पहला पहला ऑप्शन यहां देखिए बिल्कुल सही है ऑपरेटर के साथ जुड़ना चाहिए मैच द कॉलम है सदन ब्लॉटिंग सदन ब्लॉटिंग का मतलब होता है डीएनए को नाइट्रोसेलोस की प्लेट पर ट्रांसफर करना जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब क्या होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब होता है कि डीएनए के फ्रेगमेंट को डीएनए के खंड को ढूंढना सही आकार के खंड को ढूंढना क्लीव क्लीव करने का मतलब है डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना और डीएनए प्रॉब ठीक है ये देखिए यहां पे ये नहीं आएगा सबसे पहले सदन ब्लॉटिंग तो ट्रांसफर ऑफ डीएन इन टू दाइटोलोलोज है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या करते हैं रनिंग ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट ऑन द जेल जेल में डीएनए जेल पर डीएनए खंडों की गति को कहते हैं क्लीव करना है कटिंग ऑफ द डीएनए में तोड़ेंगे डीएनए को और डीएनए प्रोबिंग क्यों काम में ली जाती है ताकि हम डीएनए को ढूंढ सके जो संपूरक डीएनए होगा जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए होगा उसकी हम पहचान कर पाएंगे रेडियो एक्टिव सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए प्रोब से तो एक का आंसर जाएगा सी सेकंड के लिए ए थर्ड के लिए बी और फोर्थ के लिए डी यानी सेकंड वाला ऑप्शन ही सही है एक भी मैच करने पर आंसर आ रहा है पहला पहला मैच करने पर भी आंसर आ रहा है फिर से मैच द कॉलम देखेंगे क्लोनिंग क्लोनिंग किसको कहते हैं क्लोनिंग कहते हैं बहुत सारी कॉपीज बनाने को मॉलिक्यूलर सीजर किसको कहते हैं मॉलिक्यूलर सीजर हम कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन है, एक है? और टी डीएनए क्या है ट्यूमर बनाने वाला डीएनए क्लोनिंग कहते हैं बहुत सारी कॉपियां बनाने को मॉलिक्यूलर सीजर आणविक कैची कहते हैं सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस को सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस क्या है एक एंजाइम है और टी डी एन ए किसमें काम आता है ट्यूमर या गांठ बनाने में काम आता है तो एक के लिए फर्स्ट है बी के लिए सी है थर्ड के लिए डी है और फोर्थ के लिए बी है यानी थर्ड वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल करेक्ट विच ऑफ द फोलोइंग बॉन्ड इज नॉट रिलेटेड टू द न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लिक एसिड से संबंधित कौन सा बंद नहीं है न्यूक्लिक एसिड में एच बॉन्ड होते हैं दोनों स्ट्रेंड को जोड़ने के लिए जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं स्थायित्व के लिए होते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में होते हैं पैप्टाइड बॉन्ड दो प्रोटीन में होते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने के लिए होते हैं यानी पेप्टाइड बॉन्ड न्यूक्लिक एसिड से रिलेटेड नहीं है select द करेक्ट ऑप्शन which shows द मोस्ट appropriate टेम्परेचर फॉर द थ्री डिफरेंट स्टेप इन the pcr mechanism pcr पीसीआर के जो अलग अलग मैकेजम है उसके लिए सही टेम्परेचर क्या है डी 94 से 96 डिग्री पर होता है प्राइमर की अनिंग uh, 54 पे होती है यानी 40 से साठ डिग्री पर होगी और प्राइमर का एक्सटेंशन सेवेंटी डिग्री पर होगा इसका मतलब थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है <coughs> बिल्कुल आसान सर क्वेश्चन को मैच करने वाला लाय e क्लोनिंग में पीबीआर 322 सौ किसके लिए होता है है ना तो आरोपी द प्रोटीन इन्वॉल्व इन द रेप्लीकेशन ऑफ प्लाजमिट बिल्कुल सही है आरोपी होता है उस प्रोटीन को बनाने के लिए जो प्लाज्मिट के रेप्लीकेशन के लिए काम आने वाला है प्लाज्मिट के प्रतिकृतिकरण में सम्मिलित होने वाले प्रोटीन के लिए होता है इसका मतलब रेप्लीकेशन फॉर प्रोटीन जिसको अपन कहते हैं द प्रोटीन फॉर रेप्लीकेशन ऑफ प्लाजमिट प्रोटीन फॉर रेप्लीकेशन ऑफ प्लास्मिट आंसर जाएगा ए <coughs> अगला सवाल रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनको पढ़ना है कितने करेक्ट हैं ये हमको निकालना है डीएनए फ्रॉम एवरी टिश्यू फ्रॉम एन इंडिविजुअल शो सेम डिग्री ऑफ पॉलीमोर्फिजम हर बॉडी की हर कोशिका में समान प्रकार का डीएनए डीएनए की बहुरूपता देखी जाती है चाहे वो बाल हो चाहे वो सलाइवा हो चाहे वो स्किन हो चाहे वो स्पर्म हो हर बॉडी में समान प्रकार का डीएनए पॉलिमोज होता है मेथोडोलॉजी ऑफ एच जी पी इन्वॉल्व ओनली वन मेजर अप्रोच गलत है वन मेजर नहीं टू मेजर अप्रोच होती है टू में क्या होता है जैसे कि हम कहते हैं एक्सप्रेस सीक्वेंसिंग टैक्स एक तो ये होती है और दूसरा होता है सीक्वेंस एनोटेशन दो मेथड पे काम करता है पहले मेथड में तो उनकी सीक्वेंसिंग करनी है जो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं दूसरे मेथड में उनकी करनी है चाहे वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं चाहे वो नहीं करते हैं तो इनको कहते हैं व्यक्तक गुंडिया और इनको अपन क्या कहते हैं अनुक्रम टिप्पण है ना सीक्वेंस ए नोटेशन तो इसका मतलब ये एक नहीं दो पे काम करता है इन लैक जीन कोड फॉर परमीज इज गलत हो गया जेड जीन परमेजेस के लिए नहीं होता लैग जेड जीन बीटा गैलेक्टोसाइडेस के लिए होता है इसका मतलब ये गलत है तो कितने गलत हो गए यहां पे, कितने करेक्ट हैं? ओनली वन एक ही करेक्ट है बाकी दोनों यहां पे गलत हो गया तो आंसर जाएगा इसमें ए मैच द फॉलोइंग कॉलम कॉलम को मैच करेंगे हर तरह की है, के क्वेश्चन है एसेसनिंग रीजनिंग स्टेटमेंट के क्वेश्चन डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव मैच द कॉलम डायग्राम वाला क्वेश्चन यानी जैसा नीट का पैटर्न होना चाहिए उसी पैटर्न के क्वेश्चन काम आया था वर्ल्ड वॉर सेकंड में स्टेप्टोकाइनिस्ट क्या करता है क्लोड बस्टर है साइक्लोस्पोरिन ए क्या करता है इम्यूनोसप्रेसेंट है और स्टेटिन ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है पेनिसिलिन वर्ल्ड वॉर सेकंड में काम में लिया गया था चेन एन फ्लोरे स्टेप्टोकाइनेस क्लॉट को घोलता है थक्के को घोलता है साइक्लोस्पोरिन एक प्रतिरक्षा संदमक है और स्टेटिन जो है वो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है तो पी के लिए थर्ड है क्यू के लिए सेकंड है पी के लिए थर्ड क्यू के लिए सेकंड, आर के लिए फर्स्ट है और एस के लिए फोर है यानी डी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा फॉलोइंग प्रोसेस टेक्निक कैन बी इंक्लूडेड अंडर दिन से कौन सी प्रक्रिया तकनीक है जैव प्रौद्योगी के अंदर सम्मिलित हो सकती है कौन कौन सी टेक्नोलॉजी को फर्स्ट पैराग्राफ में सब कुछ दिया हुआ है सिंथेसिस ऑफ जीन एक जीन के संश्लेषण में काम आता है जो विकृत डीएनए सुधारने में काम आता है और डेवलपिंग बनाने में भी काम आती है तो डीएनए

आर क्या है स्ट्रेन का नाम और फर्स्ट क्या है उसका ऑर्डर ऑफ आइडेंटिफिकेशन तो ई e हो गया जीनस ए के लिए सेकेंड बी के लिए थर्ड सी के लिए फोर्थ और डी के लिए वन यानी फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस के नामकरण की बात चल रही है नॉर्मन क्लेचर रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए टू एंड सेलेक्ट द ऑप्शन कथनों को पढ़िए और सही कथन को छांटिए ठीक है देखिए मेल सेक्स क्रोमोसोम वाई हैज फ्यूस जीन एंड द मोस्ट जीन आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम वन, बिल्कुल सही सबसे छोटा क्रोमोसोम सबसे कम जीन वाई क्रोमोसोम पर होते हैं और पहले क्रोमोसोम पर सबसे ज्यादा जीन होते हैं वाई पर 231 जीन होते हैं और पहले क्रोमोसोम पर 2968 जीन्स होते हैं इसका मतलब यह बिल्कुल सही है सबसे बड़ा जीन डिस्ट्रोफिन है जिसमें 2.4 मिलियन बेसिस हैं

न्यूक्लिक एसिड की खोज की थी इन यू स्ट्रक्चरल जीन डू नॉट व्यक्तिक अनुक्रम के साथ अव्यक्तिक नहीं मिलते गलत पॉलिसिस्टोनिक में होता है क्या स्प्लिट जीन और स्प्लिट जीन का मतलब होता है जिसमें एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों होते हैं व्यक्तिक के साथ अव्यक्तिक भी मिलते हैं इसका मतलब ये गलत है सिस्ट्रॉन इज सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर पॉलीपेप्टाइड चेन बिल्कुल सही है Cistron वो जीन होता है जो पॉलीपेप्टाइड यानी प्रोटीन निर्माण में भाग लेता है तो अब देखते हैं कौन कौन से सही रहेंगे इसमें ए बी और ई ए बी ई यहां पे करेक्ट हैं। दो यहां पर इनकरेक्ट हैं करेक्ट निकालना था तो ए बी और ई हाउ मेनी फ्रेगमेंट्स विल बी जनरेटेड ऑन द डाइजेशन ऑफ अ क्लोज सर्क्यूलर डीएनए मॉलिक्यूल वेद रेस्ट्रिक्शन एंड सिक्स रिकोगशन साइट ये कह रहे हैं कि एक सर्क्यूलर डीएनए है और सर्क्यूलर डीएनए में छह ऐसी जगह है मान लो ऐसे छह साइट है जैसे वन साइट टू साइट थ्री साइट फोर साइट फाइव एंड सिक्स छऐ ऐसी जगह है जिसको हमने पैलिंड्रोम बुला हुआ है और ये कह रहा है कि भाई एक एंजाइम हमने लिया है जो इन छह साइट को पहचानता है और इनको काट देता है इनको काटता है तो बताओ डीएनए के कितने टुकड़े बनेंगे तो डीएनए के जो टुकड़े बनेंगे वो बनेगा एक ये दो ये तीन ये चार ये पांच और ये छ यानी जितने साइट उतने टुकड़े तो छह टुकड़े इसके अंदर बनने वाले हैं अगर ये रेखी होता तो एक ज्यादा बन जाता बाकी इसके अंदर इतना ही रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन

बोयर का डायग्राम दे रखा है फर्स्ट पेज पे ही, और उसके बाद में नीचे वाले पैराग्राफ में साफ साफ लिखा हुआ है कि वो कोह सबसे पहले साइंटिस्ट था जिन्होंने बैक्टीरिया में से प्लाजमेट निकालना और किसी दूसरे बैक्टीरिया में प्लास्मेट को ट्रांसफर करने वाला मैकेनिज्म मेथड डेवलप किया तो बिल्कुल बच्चों इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर क्या जाने वाला है स्टेनले कोहन ओनली बी वाला आंसर जाने वाला है यहां पर सबसे ज्यादा बच्चों ने गलतियां की होगी और सोचा होगा कि ऐसा तो सर एनसीआरटी में लिखा नहीं है ऐसा लिखा है बायोटेक्नोलॉजी में पहले वाले पेज पे स्टार्टिंग के पेज पे लिखा हुआ है जिसमें जो साइंटिस्ट है उसका डायग्राम दिया हुआ है ठीक है नेक्स्ट देखते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यू आर आस्क्ड टू एग्जामिन जेल वेयर वुड यू फाइंड द स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ द डीएनए ये कह रहे हैं जब आपने इलेक्ट्रोफोरेसिस किया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया तो बताओ सबसे छोटा डीएनए आपको कहां मिलेगा द स्मॉलेस्ट डीएनए कहा मिलने वाला है तो जिस जगह पर हमने डीएनए डाला है जिसको हम वेल कहते हैं उससे बहुत दूर मिलेगा लेकिन हमेशा किधर की तरफ मिलेगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मिलेगा जिसको हम कहते हैं एनॉर्ड तो एनॉर्ड के बिल्कुल पास और जो वेल है जहां पर हमने डीएनए को रन कराया उससे सबसे दूर द स्मॉलेस्ट द डीएनए फार्दर इट्स मोर्ड सबसे छोटा डीएनए सबसे दूर तक जाने वाला है तो नियर द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा सही है <coughs> और फार्देस्ट अवे फ्रॉम द वेल ये भी सही है धनात्मक इलेक्ट्रोड के पास और कूपो वेल से सबसे अधिक दूरी पर मिलेगा पहला पहला ऑप्शन है सही है आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है द नंबर ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर इन क्लोनिंग वैक्टर पीबीआर थ्री ट्वेंटी टू ऑफ ई कोलाय ये कह रहा है कि भाई हमने ई e. कोलाय को देखा पीबीआर थ्री देखा ये पीबीआर थ्री देखा अब इसमें कितने सेलेक्टेबल मार्कर्स हैं तो इसमें सेलेक्टेबल मार्कर दो है एक का नाम है टेट्रासाइक्लिन साइक्लिन रेस्टेड जीन और एक होता है एम्पीसिलीन रेस्टेड जीन यानी टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन और एम्पीलिन प्रतिरोधी जीनों को हम क्या कहते हैं चयनात्मक चिन्ह कहते हैं वर्ण योग्य स्थल कहते हैं तो कितने होंगे दो एम्पीसिलीन और टेट्रासाइक्लिन एब्सेंस ऑफ एक्सेस और एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम रिजल्ट इन एक या अधिक गुणसूत्रों की अनुपस्थिति या अधिकता का या असामान्य व्यवस्था में परिणाम क्या होता है एक या एक से अधिक गुणसूत्रों की अनुपस्थिति या अधिकता या असामान्यता का परिणाम क्या होता है एक, रहे एक या एक से ज्यादा गुणसूत्र अगर कम हो जाते हैं या व्यवस्थित हो जाते हैं तो उसका क्या रिजल्ट होता है तो उसको कहते हैं क्रोमोजोमल एबिरेशन गुणसूत्रीय असामान्यता जैसे डाउन सिंड्रोम क्लाइन सिंड्रोम टर्नर सिंड्रोम ये इसी के अंदर तो आते हैं यानी ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को लीड करेंगे तो एक या अधिक गुणसूत्रों की अनुपस्थिति अधिकता असामान्य अवस्था में क्या परिणाम लेके आता है क्रोमोजोमल विकार गुणसूत्री विकार लेके आता है इसलिए करेक्ट सेल सेल डिसऑर्डर ड्यू क्यों होता है बच्चों सेल सिक्कलिया को पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं तो डुप्लीकेशन ऑफ सेगमेंट ऑफ डीएनए क्या डीएनए का एक खंड डबल हो जाता है नहीं सब्सिट्यूशन ऑफ द सिंगल बेस ऑफ डीएनए ये बिल्कुल सही है एक डीएनए में केवल एक न्यूक्लियोटाइड का जो है प्रतिस्थापन हो जाता है जी ए जी की जगह जी यू जी हो जाता है एक 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 ग्लूटामिक एसिड की जगह आ जाता है इसका मतलब एक, एक शार, एकल शार, सिंगल बेस के प्रतिस्थापन से होता है डिलीशन से नहीं होता डुप्लीकेशन से नहीं होता इसका आंसर जाएगा बी जीन एम्प्लीफिकेशन यूजिंग प्राइमे प्राइमर्स कैन बी डन बाय जीन एम्प्लीफिकेशन का मतलब होता है पीसीआर पीसीआर में प्राइमर काम में लिए जाते हैं तो प्राइमर किस अच्छा वह तो पूछ रहा है कि भाई प्राइमर किस सीक्वेंस में काम में लेते हैं तो पीसीआर में काम में लेते हैं तो प्राइमर का उपयोग करके जीन प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है पीसीआर द्वारा जीन का प्रवर्धन किया जाता है इन एफ टू जनरेशन अफिपिक रेशियो इज वन 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 ये किसमें आता है हमें बताया कि जब हम टेस्ट क्रॉस करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस का तो वन रेशो वन आता है लेकिन जब हम टेस्ट क्रॉस करते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस का तो चार बार वन आता है जैसे मान लिए आर आर वाई वाई का क्रॉस स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई से किया अब इसका फिनोटिपिक रेशियो क्या आएगा तो इसके चार गैमेट हैं आर वाई आर वाई आर वाई और आर स्मॉल वाई इसका आएगा आर और स्मॉल वाई तो ये बन गया चेकर बोर्ड और अगर हमने क्रॉस किया तो आर आर वाई वाई आर आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर कैपिटल और गोल और पीले गोल और हरे झुरीदार और पीले झुरीदार और हरे राउंड येलो राउंड एंड ग्रीन रिंकल्ड येलो रिंकल्ड एंड ग्रीन इसलिए डाई हैबिट टेस्ट क्रॉस आंसर जाएगा इसमें सी फिनाइल कीटोनूरिया इज इन एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म दैट इज इनहेरिटेड एज फिनाइल कीटोनूरिया जन्म के साथ होने वाली एक उपापचय विकृति है जो किस के साथ जाती है तो हमें पता है कि बारवा जो ऑटोजोम होता है ट्वेल्थ ऑटोजोम के अंदर म्यूटेशंस के वजह से फिनाइल कीटोनूरिया हो जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि वो ऑटोजोम एक रेसेसिव ऑटोजोम है अप्रभावी अलिंगी गुणसूत्र संलग्न रोग है तो हम यह कह सकते हैं अप्रभावी ऑटोसोमल अप्रभावी ऑटोसोम रिसेसिव है और उस ऑटोसोम का नाम है ट्वेल्थ ऑटोसोम यानी बारवा अलिंगी गुणसूत्र कितने स्टेटमेंट करेक्ट है फादर ऑफ जेनेटिक्स इज मैंडल बिल्कुल सही है मैंडल कॉम ने फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा हाइब्रिडेशन एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी ये भी सही है गार्डन पीपर संकरण के प्रयोग किए गए हाइब्रिडेशन के प्रयोग किए गए एनसीआरटी में क्लियरली लिखा हुआ है 1856 से 1863 यानी सात साल तक प्रयोग किए गए संकरण के ये भी सही है फिनो टिपिक रेशियो इज एक्सटर्नल अपियरेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म ये भी सही है किसी भी ऑर्गेनिज्म के बाहरी बाहरी लक्षणों का अनुपात निकालना ही फिनो रेशियो निकालता है यानी सारे के सारे करेक्ट है कितने करेक्ट हैं चार करेक्ट है राइट right? द मैप डिस्टेंस ऐसा क्वेश्चन 2022 में भी आया था नीट में आपको सबको पता ही होगा ये कह रहा है दो जीन है ए और बी उसमें तीन यूनिट है बी और सी के बीच में दस है सी और ए के बीच में सात है तो बताओ उसका सही सीक्वेंस क्या है तो सबसे पहले हमने लिखा बी और सी जिसके बीच में टेन सेंटीमॉर्गन का डिस्टेंस है फिर ए और बी के बीच में तीन है और ए और सी के बीच में सात है तो ए मान लीजिए ए यहां आता है तो ये तीन है और ए और सी के बीच में ये सात है तो करेक्ट आंसर इसका क्या आएगा बी ए सी कैसे करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन 2022 का सवाल भी था ये इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लंबी से लंबी डिस्टेंस लेते हैं जैसे बी और सी मैंने पहले लिख दिया जिनके बीच में दस है ने दूसरे नंबर पे बता रखा है कि सी और ए के बीच में सात है तो सी इधर है और ए अगर इधर लेता हूं तो मान लो ये सात है तो ऑटोमेटिकली ए और बी के बीच में तीन आ जाएगा क्योंकि ये पूरा दस है तो अगर ये सात है तो ये ऑटोमेटिकली तीन होगा इसलिए ये व्यवस्था सही जाती है तो आंसर जाएगा बी ए और सी राइट नेक्स्ट क्वेश्चन क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ टी आर एन एस टू डी मॉडल को क्लोवर लीफ मॉडल कहते हैं थ्री डी मॉडल को उल्टा एल इन्वर्टेड एल मॉडल कहते हैं क्लोवर लीव मॉडल को जब आप देखते हो तो उसमें इस टाइप का ये मॉडल होता है टी आर एन ए का जिसमें इसको तो कहते हैं एंटीकॉडोन लूप इसको कहते हैं डीएचयू लूप इसको कहते हैं टी साइ सी लूप इसको कहते हैं वेरिएबल लूप तो क्या इसमें टी भुजा सी है बिल्कुल है एंटीकोडोन आम है ये भी सही है डीएचयू है ये भी सही है ऑल ऑफ द सारे सारे के सारे यहां पे हमको नजर आ रहे हैं इसका मतलब ये बिल्कुल करेक्ट आंसर इसके लिए जाता है कि सभी यहां पे दिखाई दे रहे विथ साइट ऑफ अ टी आर एन ए मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड टू एम आर एन ए मॉलिक्यूल ये कह रहे हैं कि भाई टी आर एन ए जो मॉलिक्यूल है उसकी कौन सी जगह कौन सी साइट एम आर एन ए के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगी तो एम आर एन ए के ऊपर अगर कॉडोन है तो टी आर एन ए के उपास में क्या है एंटीकोटॉन है यूएसी तो इसको हमने क्या बोला एंटीकोडॉन और ये एंटीकोटोन आपस में क्या बनाएंगे हाइड्रोजन बॉन्ड एंटीकोडोन विथ साइट ऑफ टी आरएनएमआर अणु के साथ टी आर एन एणु के किस स्थान पर हाइड्रोजन बॉन्ड बना होता है तो टी आरएनए के एंटीकोडोन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बना होता है इसलिए आंसर जाएगा बी मार्ग द ऑर्ड वन विषम को बताने भाई विषम को चिन्हित करें सिंड्रोम के संदर्भ में जो कोशिका विभाजन चक्र के दौरान गुणसूत्रों के समझात युग्म के पृथककरण की विफलता के कारण होता है गुणसूत्रों के समझात गुणसूत्रों की जो पृथककरण है वो विफल हो गया जिसको कहते हैं नॉन डिसजंक्शन क्रोमोसोम डिसजंक्शन के लिए नहीं गए क्रोमोसोम एक साथ ज्यादा चले गए या कम चले गए उन डिसऑर्डर में विषम क्या है ऑड क्या है क्या क्लाइन फेल्टर डिसजंक्शन से होता है बिल्कुल सही है ये ट्राइजोमी से होता है एक तरफ ज्यादा गुणसूत्र चले जाते हैं डाउन सिंड्रोम भी ऐसा ही होता है ट्वेंटी फर्स्ट क्रोमोसोम की ट्राइसोमी से होता है टर्नर सिंड्रोम होता है एक एक्स क्रोमोसोम फीमेल में कम हो जाता है लेकिन थैलेसीमिया इज थेमशिप म्यूटेशन थैलेसीमिया तो फ्रेमशिप म्यूटेशन से होता है इसका मतलब ये क्रोमोजोमल एब्रेशन नहीं है ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स नहीं है क्या जाने वाला है थैलेसीमिया जो कि इनमें ऑड है विषम है ऑफ द डीएनए इज इन डीएनएकेशन किस दिशा में होता है चाहे ट्रांसक्रिप्शन हो बच्चों चाहे हो नया डीएनए नया आरएनए हमेशा फाइव डैश थ्री डैश की तरफ बनेगा टेम्पलेट सदैव थ्री डैश फाइव डैश होगा रज्जू हमेशा थ्री डैश फाइव डैश होगा जो नया डीएनए बनेगा वो फाइव डैश है थ्री डैश होगा तो फाइव डैश है थ्री डैश डायरेक्शन में बनेगा हमेशा किस डायरेक्शन बनेगा फाइव थ्री कई बच्चे ये सोचेंगे कि सर दोनों डायरेक्शन बनेगा नहीं बनेगा दोनों डायरेक्शन में एक ही डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन होता है तो ग्वान कितना है ये चार के नियम पर आधारित है चार रूल कहता है एडिन थार्टी परसेंट ये तो थर्टी परसेंट ये एडिनिन थाइमिन के बराबर होता है 30 30 हो गया 60 पीछे बच गया 40 परसेंट साइटोसिन गुआनिन आपस में बराबर होंगे 20 परसेंट और 20 परसेंट यानी ये कितना हो गया 40 परसेंट टोटल कितना हो गया 100 परसेंट इसका मतलब गुआनिन कितना जाएगा 20 परसेंट आंसर जाएगा बी एडिनिन 30 परसेंट तो गुआनिन कितना होगा ट्वेंटी इसका आंसर है बी अन्यूक्लियोसाइड डिफर फ्रॉम न्यूक्लियोटाइड एक न्यूक्लियोसाइड जो है न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड से भिन्न होता है क्योंकि इसमें नहीं होगा क्या नहीं होगा न्यूक्लियोसाइड में क्या नहीं होता फॉस्फेट नहीं होता ना हमने कहा था फॉस्फेट इन साइड न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट इन टाइड न्यूक्लियोटाइड ये फॉस्फेट इन टाइड न्यूक्लियोटाइड इफ फॉस्फेट इन साइड न्यूक्लियोसाइड तो दोनों में फर्क किसका है फॉस्फेट का साइड में कर दो तो न्यूक्लियोसाइड है टाइड कर दो तो न्यूक्लियोटाइड है तो कमी किसकी है फॉस्फेट की ओकाजाकी फ्रेगमेंट ओकाजा ओकाजाकी फ्रेगमेंट क्या होते हैं ओकाजाकी की फ्रेगमेंट जो कि डीएनए के खंड होते हैं छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो हमेशा लैगिंग स्ट्रैंड पे बनते हैं असतत पर बनते हैं तो लैगिंग स्ट्रैंड ओनली लीडिंग पे नहीं बनेंगे लैगिंग स्ट्रैंड पे बनते हैं उसको हम क्या कहते हैं ओकाजाकी की कहते हैं इसलिए आंसर है अभी डीएनए स्टैंड बाय डीएनए को आप कैसे स्टेन करोगे भाई डीएनए को स्टेन करोगे एथिडियम ब्रोमाइड से जो यूवी लाइट में ऑरेंज कलर के बैंड देता है यानी एथीडियम ब्रोमाइड इथाइलियन ब्रोमाइड नहीं जल्दबाजी में ठीक है अगर ये ऊपर होता तो कई बच्चे इसको फटाफट में गलती कर सकते हैं तो याद रखेंगे ब्रोमाइड ही इसका आंसर होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन पॉलिन पिस्टल इंट्रैक्शन के लिए पराग वर्तिकाग्र संकर्षण के लिए कौन सा वाला कथन सही है ठीक है बायोकेमिकल्स ऑफ ओनली पॉलिन आर इन्वॉल्व गलत क्या केवल पॉलन केवल के रसायन ही काम में लेते हैं क्या नहीं और वर्तिकाग्र दोनों के रसायन पॉलन ग्रीन और, और स्टिग्मा दोनों के केमिकल होते हैं। इनकम पॉलन और स्टिग्मा प्रमोट तो द पोस्ट पर्टलेशन वर्तिकाग्र पर गलत पराकण पराग पश्च घटनाओं को प्रेरित कर सकता है क्या नहीं कर सकता अगर पराकण गलत है तो वो कैसे परागण के बाद की घटनाओं को प्रेरित करेगा अगर वो कॉम्प्लीमेंट्री है अगर वो आ, उसके योग्य है सही तरीके से पराक्रण गिरा होगा तो ही पराग नलिका का निर्माण होगा आगे की घटनाएं होगी गलत वाला नहीं हो सकता इनकम्पेटिबल नहीं हो सकता इट इज अ डायनेमिक प्रोसेस ये बिल्कुल सही है गतिशील प्रक्रम है प्रोटीन डायलॉग से होने वाला प्रोसेस है बायोकेमिकल और पॉलन एंड पिस्टल बहुत आर इन्वॉल्व सही है पराकण तथा स्त्री के सब दोनों के जैव रसायन इसके अंदर सम्मिलित होते हैं तो अब इसमें गलत क्या है इसमें ए और बी तो गलत आ गया है दो सही है इसमें ट्रू हमको पूछा है सही क्या है तो सी एंड डी सही है सी एंड डी सही है तो आंसर जाएगा इसमें थर्ड वाला एली लिली जो अमेरिका की कंपनी है उसने दो डीएनए सीक्वेंस बनाए ए और बी और उससे ह्यूमन के इंसुलिन डेवलप किया उन्होंने एली लिली एंड अमेरिकन कंपनी प्रिपेर टू डीएनए सीक्वेंस करस्पॉन्डिंग ए टू ए एंड बी

उन चेन को उन्होंने पृथक किया और दोनों को किस से जोड़ा दो अलग अलग चेनों को जोड़ा गया डाय सल्फाइड बॉन्ड से चेन ए और चेन बी चेन ए और चेन बी को जोड़ा गया डाय सल्फाइड बॉन्ड से कौन से बॉन्ड से जोड़ा गया डाय सल्फाइड बॉन्ड से जोड़ा गया इसका मतलब आंसर जाएगा डी फिर से मैच द कॉलम का क्वेश्चन है चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन लग रहा है अदरक किसको कहते हैं जिंजर जिंजर होता है राइजोम पटेटो के ऊपर होती है आई आलू के ऊपर क्या होती है आंखें होती है जिसको एक्सिलरी बर्ड कहते हैं अगे में फ्लैशी बलबिल होते हैं अगे को अपन सेंचुरी प्लांट भी कहते हैं फूली हुई कली का होती है बलबिल कहते हैं ठीक है और आई कॉर्निया को ऑफसेट यानी भूसतारी का कहते हैं तो बिल्कुल ये सामने सामने मैच कर गया तो जिंजर एक राइजोम का उदाहरण है तो आई के लिए पी आएगा जिंजर आ सकता है अदरक आ सकता है ये सब राइजोम होते हैं पटेटो के लिए क्यू है अगेव के लिए आर है और फोर्थ आईकॉर्निया के लिए ऐसे यानि पहला पहला ऑप्शन यहां पर परफेक्टली मैच कर रहा है स्टडी द पेडिग्री चार्ट ऑफ फैमिली शोइंग द इनहेरिटेंस इस फैमिली चार्ट को देखना है और बताना है ये किस प्रकार का रोग है किस प्रकार की बीमारी है इसको देख के हमने सबसे पहले ऑब्जर्व किया कि इसमें कोई भी जनरेशन स्किप नहीं कर रही है हर जनरेशन में बीमारी है ये देखिए फर्स्ट पेरेंट जनरेशन में बीमारी है प्रोजेनी में बीमारी है है ना यहां पर बीमारी है तो यहां पर बीमारी है तो पूरा ही नहीं है चलो इसमें तो डिजीज ही नहीं है तो इसको तो ऑब्जर्व नहीं करना है जब हर जनरेशन में बीमारी होती है तो वो डोमिनेंट डिजीज होती है तब तो वो प्रभावी वाला रोग होता है अब वो लिंगी प्रभावी है या अलिंगी प्रभावी है इसका पता कौन देता है इसका पता कैसे निकलता है इसका पता निकलता है बेटी से अगर बेटी रोगी है और पिता सामान्य है इसका मतलब ये एक्स वाला रोग नहीं है क्योंकि पिता का एक्स हमेशा पुत्री में जाता है तो पुत्री तभी रोगी हो सकती है लिंगी के लिए जब पिता रोगी हो लेकिन पिता जब सामान्य है तो पुत्री एक्स के लिए रोगी नहीं हो सकती इसका मतलब एक्स संलग्न रोग नहीं है लिंग संलग्न रोग नहीं है यह अलिंगी प्रभावी रोग है यह अलिंगी प्रभावी रोग है इसका मतलब आंसर क्या जाएगा डोमिनेंट एक्स नहीं आएगा रेसेसिव एक्स नहीं आएगा ऑटोसोमल डोमिनेंट आएगा यानी ये मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी हो सकता है प्रभावी अलिंगी गुणसूत्र संलग्न रोग हो सकता है करेक्ट आंसर है सी फिर मैथ्स द कॉलम हम देखेंगे मैथ्स द कॉलम में ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट ऑटोजोम अप्रभावी ऑटोजोम अप्रभावी कौन होता है सिक्कल सेलेनिमिया सेक्स लिंक्ड रिसेसिव सेक्स लिंक्ड रिसेसिव कौन है हीमोफीलिया मेटाबॉलिक एरर लिंक्ड टू ऑटोजोम मेटाबॉलिक एरर दिखा रहा है फिनाइल कीटोनोरिया देखिए अब देखिए यहां पे दो बातें हैं कई बच्चे ऑटोजोम को फिनाइल में लगा सकते हैं और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को मेटाबॉलिक तो हो हो गड़बड़ी होती है और यह प्लियोट्रॉपिक इफेक्ट दिखाता है इसके अलावा मेटाबॉलिक वाली जो गड़बड़ी आएगी वो एक एंजाइम की कमी से होगी और वो एंजाइम की कमी वाला रोग फिनाइल कीटोनोरिया होगा सिक्कल सेल एनीमिया नहीं होगा क्योंकि सिक्कल सेल एनीमिया सीधा

तो ए के लिए जाएगा सी द फोर ए के लिए जाएगा सीधा फोर बी के लिए जाएगा थर्ड सी के लिए जाएगा सेकंड और डी के लिए जाएगा वन मतलब आंसर है तीसरा मदर एंड फादर अ पर्सन विद ओ ब्लड ग्रुप मदर और फादर मदर एंड फादर ऑफ अ पर्सन एक पर्सन है जिसके मदर फादर के जिसका उस पर्सन का ब्लड ग्रुप ओ है मदर एंड फादर ऑफ अ पर्सन विद ओ ब्लड ग्रुप हैव ए एंड बी ब्लड ग्रुप ओ ब्लड ग्रुप वाली संतति में माता और पिता का ब्लड ग्रुप ए और बी है व्हाट वुड बी द जीनोटाइप ऑफ बोथ मदर एंड फादर मदर और फादर अगर ए और बी ब्लड ग्रुप के हैं तो उनका जीनोटाइप क्या होगा बिल्कुल सिंपल सी चीज है अगर मदर और फादर ए और बी ब्लड ग्रुप के हैं और उनकी संतति में ब्लड ग्रुप आ रहा है ओ तो उनका जीनोटाइप यही हो सकता है कैसे विषम युग्मजी हो सकते हैं क्योंकि मान लो अगर ये होमोजाइगस हुआ आई ए आई ए

आंसर जाने वाला है सी मान लो एक होमोजाइगस हुआ एक हेट्रोजाइगस हुआ तो भी ओ नहीं आ सकता क्योंकि ओ तो तभी आएगा जब दोनों स्मॉल आई आएंगे वन ऑफ ऑफ द द द फॉलोइंग ऑप्शन गिव करेक्ट सिक्स प्लांट अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ सी ए बी सी यहां पर हमको देखना है ए बी और सी और इनको देख के पहचानना है कि इनके जो एग्जाम्पल्स हैं इनके जो प्लांट के नाम दिए हुए वो सही है या नहीं है एल्यूमिन सीड

तीसरा कौन सा हो सकता है कैस्टर इसका मतलब पहला पहला ऑप्शन तो बिल्कुल मैच कर रहे हैं पहला पहला ऑप्शन बिल्कुल यहां पर ये गड़बड़ी दे दिया इन्होंने या ये गड़बड़ी दे दिया इन्होंने पी और ग्राउंड बाकी सब गलत है पहला पहला ऑप्शन ही एक्जैक्टली exactly मैच कर गया तो आंसर है ए पेरिसम समझ में आगे होगा बचा हुआ रेमेनेंट न्यूसेलस जो हो सकता है बीबीसी ब्लैक पेपर बीट रूट सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट निकालना है वो डी एन एंड आर एन एबल टू म्यूटेट क्या दोनों डीएनए और आर एन ए में म्यूटेशन हो सकता है बिल्कुल सही है डीएनए में धीमे और आर एन ए में तेज म्यूटेशन होता है लेकिन होता जरूर है आर एन ए बींगस स्टेबल म्यूटेट एट फास्टर एट बिल्कुल सही है आर एन ए कम स्थायी होने के कारण से तीव्र गति से उत्परित परिवर्तित होता है आर एन ए की स्थायित्व तो कम है यूरेसिल है उसमें इसलिए जल्दी जल्दी वो उत्परिवर्तन दिखा देता है प्रॉपर्टी कुछ RNA, आर एन एन आर आर एन ऐसे होते हैं जो एंजाइम के जैसे काम करते हैं यूरेसिल की वजह से तो वो लेस स्टेबल है ठीक है तो ये आर एन ए के लिए नहीं लगता ये स्टेटमेंट अगर लिखा हुआ है तो डीएनए के लिए लगता है कि यूरेसिल की जगह पर होना डीएनए की स्टेबिलिटी है यूरेसिल की जगह पे थाइमिन होना आरएनए की स्टेबिलिटी नहीं है तो इसका जिसका गलत हो गया तो करेक्ट कितने हो गए एक दो तीन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड यानी डी वाला ऑप्शन सही है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यू कैरियर ट्रांसक्रिप्शन जो यू कैरियर में होता है उसके लिए सही स्टेटमेंट क्या है उसमें सही क्रम क्या है द स्टैंड ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए एन विच टेक पार्ट इन ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इज कॉल्ड कोडिंग स्टैंड डबल स्टैंड का वर्ड जो जो अनुलेखन प्रक्रिया में भाग लेता है उसको कूटलेखन कहते हैं क्या नहीं उसको तो टेम्पलेट कहते हैं जो ट्रांसक्रिप्शन में पार्ट लेता है वो टेम्पलेट है जिसका ट्रांसक्रिप्शन होता है वो कोडिंग है दूसरा द एंजाइम आर एन ए पॉलीमरेज कैन कैटेलाइज पॉलीमराइशन ऑनली इन वन डायरेक्शन फाइव डे थ्री डैश है एंजाइम कोई भी हो चाहे डीएनए पॉलिमरेज हो चाहे आर एन ए ही उत्प्रेरित करेगा

टू हंड्रेड टू थ्री हंड्रेड आर एडेड एट थ्री एंड टेलिंग में हम थ्री डैश एंड पर दो से तीन सौ रेजिड जोड़ते हैं बिल्कुल सही है इनको जोड़ा जाता है तो कौन सा सही है दूसरा तीसरा और चौथा सही है पहला वाला सही नहीं है स्टेप्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस देम इन सीक्वेंस ये प्रोटीन सिंथेसिस के क्रम के अंदर जोड़ना है कॉडोन एंटीकोडॉन रिएक्शन बिटवीन एम आर एन ए अटैचमेंट ऑफ द आर एन स्मॉलर सब यूनिट राइबोजोम चार्जिंग ऑफ देखिए सबसे पहले आएगा चार्जिंग ऑफ टी आर एन ए सबसे पहले क्या आएगा चार्जिंग ऑफ टी आर एन ए दूसरा एम आर एन ए का राइबोजोम की छोटी वाली इकाई के साथ जुड़ना फिर एंटीकोडॉन कॉडोन कॉडिंग का इंटरेक्शन होना ताकि टी आर एन एम आर एन ए के साथ जुड़े फिर उसके बाद में राइबोजोम की बड़ी वाली इकाई का जुड़ना फिर आसपास वाले अमीनो एसिड का जुड़ना और फिर पॉलीपेप्टाइड का अलग हो जाना ये देखिए सारे सामने सबसे पहले टी आर एन ए के ऊपर सक्रिय अमीनो एसिड आके जुड़ेगा तो चार्जिंग कहते हैं उसको फिर एम आर एन ए राइबोसोम की छोटी वाली इकाई के साथ जुड़ेगा फिर सक्रिय टी आर एन एम आर एन ए के ऊपर आके जुड़ेगा फिर राइबोसोम की बड़ी वाली इकाई आके जुड़ेगी फिर दो अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा और फिर लास्ट में प्रोटीन जो है वो अलग हो जाएगा तो ये बिल्कुल सही सीक्वेंस है तो सही सीक्वेंस यहाँ पे जाता है सबसे पहले थर्ड उसके बाद में सेकेंड उसके बाद में फर्स्ट थर्ड सेकेंड फर्स्ट उसके बाद में फोर्थ फिर उसके बाद फिफ्थ और सिक्स यानी डी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल करेक्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक दूस आर एन एस टेम्पलेट टू सिंथेसिस डीएनए वो कौन सा ऐसा एंजाइम है जो आर को टेम्पलेट के जैसे काम करता है और फिर डीएनए बनाता है तो उसको कहते हैं आर निर्भर डीएनए पॉलिमरिज आर डिपेंडेंट डीएनए पॉलिमरिज जिसको हम कह सकते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज या आरएनए डिपेंडेंट डीएनए कह सकते हैं। Which the following, microbes used as में से कौन सा स्वपोषी सूक्ष्म जीव जैर के में काम आता है। अपना खाना खुद बनाएगा और वो बायो फर्टिलाइजर है तो आंसर है नील हरी नील हरी शवाल यानी ब्लू ग्रीन एलगे स्वपोषी है प्रकाश संश्लेषण कर सकता है फोटोसिंथेसिस कर सकता है और नाइट्रोजन फिक्स भी कर सकता है हेट्रोसिस्ट के माध्यम से तो इसका मतलब साइनोबैक्टीरिया जो है यहाँ पे ऑटोट्रॉप है राइजोबियम हेट्रोट्रॉप एजोटोबैक्टर हेट्रोट्रॉप ग्लोमस जीनस के फंगस हेट्रोट्रॉप साइनोबैक्टीरिया ऑटोट्रॉप बट एक्ट एस बायो फर्टिलाइजर तो बच्चों ये था आपका पेपर आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे अच्छे एनसीआरटी पर बेस्ड पेपर था बढ़िया पेपर मैनेजेबल पेपर था ठीक है तो इसी तरह से आपको सीखने को मिला होगा कि किस तरह से आंसर निकाले जाते हैं और क्या इसका करेक्ट जो है कॉन्सेप्ट है तो इस तरह से पढ़ते रहिए आगे बढ़िए और नेक्स्ट पेपर में और ही बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी कीजिए और ज्यादा मार्क्स लाने की कोशिश कीजिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट